एक ही इंसान है जो कुंवरसा की जान बचा सकता है। मेवाड़ वाला बाप, हम तुम्हारे हाथ जोड़ते, बस आप हमारे साथ लंदन आ जाओ। आज मैं आपको 1920 लंदन मूवी की कहानी, फिल्म के दिलचस्प फैक्ट और फिल्म से जुड़ी अनसुने किस्से बताऊंगा। 1920 लंदन, यह फिल्म की कहानी राजस्थान के सीकर में एक शाही घराने की राजकुमारी शिवांगी के साथ शुरू होती है। शिवांगी के जीवन को इस फिल्म में दर्शाया गया है, जो अपने पति कुंवर वीर सिंह के साथ लंदन में चली जाती है। वह एक खुशहाल जोड़े के तौर पर है, जब वह वीर को एक दिन एक छोटी सी बीमारी के तौर पर देखती है। जल्द ही यह बीमारी एक बड़ी बीमारी के तौर पर बदल जाती है। उसके शरीर को सिकड़ना और सिर भी अब धीरे धीरे सिकड़ना शुरू होता है। वीर को अस्पताल भर्ती कर दिया जाता है और उसके लक्षण अभी भी बिगड़ते जा रहे हैं। उसका शरीर अस्वाभाविक रूप से सिकड़ने लगता है, वह अजीब भाषाओं में गुर्राता है। डॉक्टर ने इसे अपनी तरफ से पूरे प्रयास करके लाइलाज मानते हैं। 1920 लंदन को आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा तो मिली, लेकिन खासतौर पर नकारात्मक भी शामिल थी। कोई मोई ने इस फिल्म को 5 में से 1.5 सितारे दिए और लिखा, हम कहाँ से शुरू करें, एक आलसी लेखन, खराब निर्देशन और उससे भी ज़्यादा अविश्वसनीय अभिनय। द टाइम्स ऑफ इंडिया के मोहन बसु ने फिल्म को 5 में से 1 सितारा दिया और कहा, 1920 श्रृंखला तीसरी किस्त में अभिनव की सोच कोई आभास है। इसके बारे में सबसे अच्छी बात यही कही जा सकती है कि साल की सबसे मज़ेदार फिल्मों में से एक रहेगी। बॉलीवुड लाइफ की सम्यता ने भी फिल्म को 5 में से सिर्फ 1.5 सितारे दी और लिखा, जब फिल्म इंटरवल के बाद एक अच्छा ट्विस्ट था, यह आश्चर्य की बात नहीं है। जेंडर रिजर्वल को छोड़ दिया जाए तो उनकी पत्नी यहाँ पति को बचा रही है, प्लॉट कहना की आवश्यकता नहीं है। 1920 की पहली फिल्म के समान यह भी है। 1920 की श्रृंखला में नवीनतम प्रविष्ट बड़े समय को निराश करने है। शर्मन जोशी एकमात्र बचत अनुग्रह है। फिल्म को केवल तभी देखें जब आपके पास करने के लिए कुछ और न हो, वरना टाइम पास के लिए यह आपके मन को नहीं भाएगी। ड्यूब्स न्यूज़ की मंजूषा ने इस फिल्म को 1.5 सितारे दिए और लिखा, विक्रम भट्ट ने बॉलीवुड की प्रेम कहानियों में प्रचलित हर क्विच को समाप्त कर दिया है। सौरभ्यस्थान आपको उभार वो कोई देंगे। जब पहले कुछ दृश्य जिसमें बुरी आत्मा अपना रोष प्रकट करती है चौंकाने वाला या फिर थकाने वाला यह फिल्म है। 1920 फिल्म के संगीत शारिब तोशी और जामेट के द्वारा लिखे थे। पहला गाना गुमनाम है कोई, जो कि 1965 की फिल्म गुमनाम के मूल शीर्षक का एक बार फिर से पुनर्निर्मित संस्करण है। 9 अप्रैल 2016 को इसे जारी किया गया था। सारेगामापा जो इसके निर्माता माने जाते हैं, अपने बैनर के तहत सारेगामापा ने इसे जारी किया गया था। पूर्ण एल्बम को 21 अप्रैल 2016 को अच्छी समीक्षकाओं के लिए भी प्रदर्शित किया गया। पहला गाना गुमनाम है कोई लंबाई इसकी 4 मिनट और 25 सेकंड के आसपास थी। आज मैं आपको 1920 लंदन मूवी की कहानी, फिल्म के दिलचस्प फैक्ट और फिल्म से जुड़ी अनसुने किस्से बताऊंगा। 1920 लंदन, यह फिल्म की कहानी राजस्थान के सीकर में एक शाही घराने की राजकुमारी शिवांगी के साथ शुरू होती है। शिवांगी के जीवन को इस फिल्म में दर्शाया गया है, जो अपने पति कुंवर वीर सिंह के साथ लंदन में चली जाती है। वह एक खुशहाल जोड़े के तौर पर है, जब वह वीर को एक दिन एक छोटी सी बीमारी के तौर पर देखती है। जल्द ही यह बीमारी एक बड़ी बीमारी के तौर पर बदल जाती है। उसके शरीर को सिकड़ना और सिर भी अब धीरे धीरे सिकड़ना शुरू होता है। वीर को अस्पताल भर्ती कर दिया जाता है और उसके लक्षण अभी भी बिगड़ते जा रहे हैं। उसका शरीर अस्वाभाविक रूप से सिकड़ने लगता है, वह अजीब भाषाओं में गुर्राता है। डॉक्टर ने इसे अपनी तरफ से पूरे प्रयास करके लाइलाज मानते हैं। 1920 लंदन को आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा तो मिली, लेकिन खासतौर पर नकारात्मक भी शामिल थी। कोई मोई ने इस फिल्म को 5 में से 1.5 सितारे दिए और लिखा, हम कहाँ से शुरू करें, एक आलसी लेखन, खराब निर्देशन और उससे भी ज़्यादा अविश्वसनीय अभिनय। द टाइम्स ऑफ इंडिया के मोहन बसु ने फिल्म को 5 में से 1 सितारा दिया और कहा, 1920 श्रृंखला तीसरी किस्त में अभिनव की सोच कोई आभास है। इसके बारे में सबसे अच्छी बात यही कही जा सकती है कि साल की सबसे मज़ेदार फिल्मों में से एक रहेगी। बॉलीवुड लाइफ की सम्यता ने भी फिल्म को 5 में से सिर्फ 1.5 सितारे दी
और लिखा, जब फिल्म इंटरवल के बाद एक अच्छा ट्विस्ट था, यह आश्चर्य की बात नहीं है। जेंडर रिजर्वल को छोड़ दिया जाए तो उनकी पत्नी यहाँ पति को बचा रही है, प्लॉट कहना की आवश्यकता नहीं है। 1920 की पहली फिल्म के समान यह भी है। 1920 की श्रृंखला में नवीनतम प्रविष्ट बड़े समय को निराश करने है। शर्मन जोशी एकमात्र बचत अनुग्रह है। फिल्म को केवल तभी देखें जब आपके पास करने के लिए कुछ और न हो, वरना टाइम पास के लिए यह आपके मन को नहीं भाएगी। ड्यूप्स न्यूज़ की मंजूषा ने इस फिल्म को सिर्फ 1.5 सितारे दिए और लिखा, विक्रम भट्ट ने बॉलीवुड की प्रेम कहानियों में प्रचलित हर क्विच को समाप्त कर दिया है। सौरभ्य स्थान आपको उपहार वो कोई देंगे। जब पहले कुछ दृश्य जिसमें बुरी आत्मा अपना रोष प्रकट करती है चौंकाने वाला या फिर थकाने वाला, यह फिल्म है। 1920 फिल्म के संगीत शारिफ तोशी और जामेट के द्वारा लिखे थे। पहला गाना गुमनाम है कोई, जो कि 1965 की फिल्म गुमनाम के मूल शीर्षक का एक बार फिर से पुनर्निर्मित संस्करण है। 9 अप्रैल 2016 को इसे जारी किया गया था। सारेगामापा जो इसके निर्माता माने जाते हैं, अपने बैनर के तहत सारेगामापा ने इसे जारी किया गया था। पूर्ण एल्बम को 21 अप्रैल 2016 को अच्छी समीक्षकाओं के लिए भी प्रदर्शित किया गया। पहला गाना गुमनाम है कोई लंबाई इसकी 4 मिनट और 25 सेकंड के आसपास थी। आज मैं आपको 1920 लंदन मूवी की कहानी, फिल्म के दिलचस्प फैक्ट और फिल्म से जुड़ी अनसुने किस्से बताऊंगा। 1920 लंदन, यह फिल्म की कहानी राजस्थान के सीकर में एक शाही घराने की राजकुमारी शिवांगी के साथ शुरू होती है। शिवांगी के जीवन को इस फिल्म में दर्शाया गया है, जो अपने पति कुंवर वीर सिंह के साथ लंदन में चली जाती है। वह एक खुशहाल जोड़े के तौर पर है, जब वह वीर को एक दिन एक छोटी सी बीमारी के तौर पर देखती है। जल्द ही यह बीमारी एक बड़ी बीमारी के तौर पर बदल जाती है। उसके शरीर को सिकड़ना और सिर भी अब धीरे धीरे सिकड़ना शुरू होता है। वीर को अस्पताल भर्ती कर दिया जाता है और उसके लक्षण अभी भी बिगड़ते जा रहे हैं। उसका शरीर अस्वाभाविक रूप से सिकड़ने लगता है। वह अजीब भाषाओं में गुर्राता है। डॉक्टर ने इसे अपनी तरफ से पूरे प्रयास करके लाइलाज मानते हैं। 1920 लंदन को आलोचनाओं से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा तो मिली, लेकिन खासतौर पर नकारात्मक भी शामिल थी। कोई मोई ने इस फिल्म को 5 में से 1.5 सितारे दिए और लिखा, हम कहाँ से शुरू करें, एक आलसी लेखन, खराब निर्देशन और उससे भी ज़्यादा अविश्वसनीय अभिनय। द टाइम्स ऑफ इंडिया के मोहन बसु ने फिल्म को 5 में से 1 सितारा दिया और कहा, 1920 श्रृंखला तीसरी किश्त में अभी नव की सोच कोई आभास है। इसके बारे में सबसे अच्छी बात यही कही जा सकती है कि साल की सबसे मज़ेदार फिल्मों में से एक रहेगी। बॉलीवुड लाइव की सम्यता ने भी फिल्म को 5 में से सिर्फ 1.5 सितारे दी और लिखा, जब फिल्म इंटरवल के बाद एक अच्छा ट्विस्ट था, यह आश्चर्य की बात नहीं है। जेंडर रिजर्वल को छोड़ दिया जाए तो उनकी पत्नी यहाँ पति को बचा रही है, प्लॉट कहना की आवश्यकता नहीं है। 1920 की पहली फिल्म के समान यह भी है। 1920 की श्रृंखला में नवीनतम प्रविष्ट बड़े समय को निराश करने है। शर्मन जोशी एकमात्र बचत अनुग्रह है। फिल्म को केवल तभी देखें जब आपके पास करने के लिए कुछ और न हो, वरना टाइम पास के लिए यह आपके मन को नहीं भाएगी। ड्यूप्स न्यूज़ की मंजूषा ने इस फिल्म को सिर्फ 1.5 सितारे दिए और लिखा, विक्रम भट्ट ने बॉलीवुड की प्रेम कहानियों में प्रचलित हर क्विच को समाप्त कर दिया है। सौरभ्य स्थान आपको उपहार वो कोई देंगे। जब पहले कुछ दृश्य जिसमें बुरी आत्मा अपना रोष प्रकट करती है चौंकाने वाला या फिर थकाने वाला, यह फिल्म है। 1920 फिल्म के संगीत शारिफ तोशी और जामेट के द्वारा लिखे थे। पहला गाना गुमनाम है कोई, जो कि 1965 की फिल्म गुमनाम के मूल शीर्षक का एक बार फिर से पुनर्निर्मित संस्करण है। 9 अप्रैल 2016 को इसे जारी किया गया था। सारेगामापा जो इसके निर्माता माने जाते हैं, अपने बैनर के तहत सारेगामापा ने इसे जारी किया गया था। पूर्ण एल्बम को 21 अप्रैल 2016 को अच्छी समीक्षकाओं के लिए भी प्रदर्शित किया गया। पहला गाना गुमनाम है कोई लंबाई इसकी 4 मिनट और 25 सेकंड के आसपास थी। आज मैं आपको 1920 लंदन मूवी की कहानी, फिल्म के दिलचस्प फैक्ट और फिल्म से जुड़ी अनसुने किस्से बताऊंगा। 1920 लंदन, यह फिल्म की कहानी राजस्थान के सीकर में एक शाही घराने की राजकुमारी शिवांगी के साथ शुरू होती है। शिवांगी के जीवन को इस फिल्म में दर्शाया गया है, जो अपने पति
कुंवर वीर सिंह के साथ लंदन में चली जाती है। वह एक खुशहाल जोड़े के तौर पर है जब वह वीर को एक दिन एक छोटी सी बीमारी के तौर पर देखती है। जल्द ही यह बीमारी एक बड़ी बीमारी के तौर पर बदल जाती है। उसके शरीर को सिकड़ना और सिर भी अब धीरे धीरे सिकड़ना शुरू होता है। वीर को अस्पताल भर्ती कर दिया जाता है और उसके लक्षण अभी भी बिगड़ते जा रहे हैं। उसका शरीर अस्वाभाविक रूप से सिकड़ने लगता है। वह अजीब भाषाओं में गुर्राता है। डॉक्टर ने इसे अपनी तरफ से पूरे प्रयास करके लाइलाज मानते हैं। 1920 लंदन को आलोचनाओं से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा तो मिली, लेकिन खासतौर पर नकारात्मक भी शामिल थी। कोई मोई ने इस फिल्म को 5 में से 1.5 सितारे दिए और लिखा, हम कहाँ से शुरू करें, एक आलसी लेखन, खराब निर्देशन और उससे भी ज़्यादा अविश्वसनीय अभिनय। द टाइम्स ऑफ इंडिया के मोहन बसु ने फिल्म को 5 में से 1 सितारा दिया और कहा, 1920 श्रृंखला तीसरी किश्त में अभिनव की सोच कोई आभास है। इसके बारे में सबसे अच्छी बात यही कही जा सकती है कि साल की सबसे मज़ेदार फिल्मों में से एक रहेगी। बॉलीवुड लाइव की सम्यता ने भी फिल्म को 5 में से सिर्फ 1.5 सितारे दी और लिखा, जब फिल्म इंटरवल के बाद एक अच्छा ट्विस्ट था, यह आश्चर्य की बात नहीं है। जेंडर रिजर्वल को छोड़ दिया जाए तो उनकी पत्नी यहाँ पति को बचा रही है, प्लॉट कहना की आवश्यकता नहीं है। 1920 की पहली फिल्म के सामान यह भी है। 1920 की श्रृंखला में नवीनतम प्रविष्ट बड़े समय को निराश करने है। शर्मन जोशी एकमात्र बचत अनुग्रह है। फिल्म को केवल तभी देखें जब आपके पास करने के लिए कुछ और न हो, वरना टाइम पास के लिए यह आपके मन को नहीं भाएगी। ड्यूब्स न्यूज़ की मंजूषा ने इस फिल्म को 1.5 सितारे दिए और लिखा, विक्रम भट्ट ने बॉलीवुड की प्रेम कहानियों में प्रचलित हर क्विच को समाप्त कर दिया है। सौरभ्य स्थान आपको उभार वो कोई देंगे। जब पहले कुछ दृश्य जिसमें बुरी आत्मा अपना रोष प्रकट करती है चौंकाने वाला या फिर थकाने वाला यह फिल्म है। 1920 फिल्म के संगीत शारिब तोशी और जया मेट के द्वारा लिखे थे। पहला गाना गुमनाम है कोई, जो कि 1965 की फिल्म गुमनाम के मूल शीर्षक का एक बार फिर से पुनर्निर्मित संस्करण है। 9 अप्रैल 2016 को इसे जारी किया गया था। सारेगामापा जो इसके निर्माता माने जाते हैं, अपने बैनर के तहत सारेगामापा ने इसे जारी किया गया था। पूर्ण एल्बम को 21 अप्रैल 2016 को अच्छी समीक्षकाओं के लिए भी प्रदर्शित किया गया। पहला गाना गुमनाम है कोई लंबाई इसकी 4 मिनट और 25 सेकंड के आसपास थी। आज मैं आपको 1920 लंदन मूवी की कहानी, फिल्म के दिलचस्प फैक्ट और फिल्म से जुड़ी अनसुने किस्से बताऊंगा। 1920 लंदन यह फिल्म की कहानी राजस्थान के सीकर में एक शाही घराने की राजकुमारी शिवांगी के साथ शुरू होती है। शिवांगी के जीवन को इस फिल्म में दर्शाया गया है, जो अपने पति कुंवर वीर सिंह के साथ लंदन में चली जाती है। वह एक खुशहाल जोड़े के तौर पर है जब वह वीर को एक दिन एक छोटी सी बीमारी के तौर पर देखती है। जल्द ही यह बीमारी एक बड़ी बीमारी के तौर पर बदल जाती है। उसके शरीर को सिकड़ना और सिर भी अब धीरे धीरे सिकड़ना शुरू होता है। वीर को अस्पताल भर्ती कर दिया जाता है और उसके लक्षण अभी भी बिगड़ते जा रहे हैं। उसका शरीर अस्वाभाविक रूप से सिकड़ने लगता है। वह अजीब भाषाओं में गुर्राता है। डॉक्टर ने इसे अपनी तरफ से पूरे प्रयास करके लाइलाज मानते हैं। 1920 लंदन को आलोचनाओं से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा तो मिली, लेकिन खासतौर पर नकारात्मक भी शामिल थी। कोई मोई ने इस फिल्म को 5 में से 1.5 सितारे दिए और लिखा, हम कहाँ से शुरू करें, एक आलसी लेखन, खराब निर्देशन और उससे भी ज़्यादा अविश्वसनीय अभिनय। द टाइम्स ऑफ इंडिया के मोहन बसु ने फिल्म को 5 में से 1 सितारा दिया और कहा, 1920 श्रृंखला तीसरी किश्त में अभिनव की सोच कोई आभास है। इसके बारे में सबसे अच्छी बात यही कही जा सकती है कि साल की सबसे मज़ेदार फिल्मों में से एक रहेगी। बॉलीवुड लाइव की सम्यता ने भी फिल्म को 5 में से सिर्फ 1.5 सितारे दी और लिखा, जब फिल्म इंटरवल के बाद एक अच्छा ट्विस्ट था, यह आश्चर्य की बात नहीं है। जेंडर रिजर्वल को छोड़ दिया जाए तो उनकी पत्नी यहाँ पति को बचा रही है, प्लॉट कहना की आवश्यकता नहीं है। 1920 की पहली फिल्म के सामान यह भी है। 1920 की श्रृंखला में नवीनतम प्रविष्ट बड़े समय को निराश करने है। शर्मन जोशी एकमात्र बचत अनुग्रह है। फिल्म को केवल तभी देखें जब आपके पास करने के लिए कुछ और न हो, वरना टाइम पास के लिए यह आपके मन को नहीं भाएगी।
ड्यूप्स न्यूज़ की मंजुषा ने इस फिल्म को सिर्फ 1.5 सितारे दिए और लिखा, विक्रम भट्ट ने बॉलीवुड की प्रेम कहानियों में प्रचलित हर क्विच को समाप्त कर दिया है। सौरभ्य स्थान आपको उपहार वो कोई देंगे। जब पहले कुछ दृश्य जिसमें बुरी आत्मा अपना रोष प्रकट करती है चौंकाने वाला या फिर थकाने वाला यह फिल्म है। 1920 फिल्म के संगीत शारिब तोशी और जया मेट के द्वारा लिखे थे। पहला गाना गुमनाम है कोई, जो कि 1965 की फिल्म गुमनाम के मूल शीर्षक का एक बार फिर से पुनर्निर्मित संस्करण है। 9 अप्रैल 2016 को इसे जारी किया गया था। सारेगामापा जो इसके निर्माता माने जाते हैं अपने बैनर के तहत सारेगामापा ने इसे जारी किया गया था। पूर्ण एल्बम को 21 अप्रैल 2016 को अच्छी समीक्षकाओं के लिए भी प्रदर्शित किया गया। पहला गाना गुमनाम है कोई लंबाई इसकी 4 मिनट और 25 सेकंड के आसपास थी। आज मैं आपको 1920 लंदन मूवी की कहानी, फिल्म के दिलचस्प फैक्ट और फिल्म से जुड़ी अनसुने किस्से बताऊंगा। 1920 लंदन यह फिल्म की कहानी राजस्थान के सीकर में एक शाही घराने की राजकुमारी शिवांगी के साथ शुरू होती है। शिवांगी के जीवन को इस फिल्म में दर्शाया गया है, जो अपने पति कुंवर वीर सिंह के साथ लंदन में चली जाती है। वह एक खुशहाल जोड़े के तौर पर है, जब वह वीर को एक दिन एक छोटी सी बीमारी के तौर पर देखती है। जल्द ही यह बीमारी एक बड़ी बीमारी के तौर पर बदल जाती है। उसके शरीर को सिकड़ना और सिर भी अब धीरे धीरे सिकड़ना शुरू होता है। वीर को अस्पताल भर्ती कर दिया जाता है और उसके लक्षण अभी भी बिगड़ते जा रहे हैं। उसका शरीर अस्वाभाविक रूप से सिकड़ने लगता है। वह अजीब भाषाओं में गुर्राता है। डॉक्टर ने इसे अपनी तरफ से पूरे प्रयास करके लाइलाज मानते हैं। 1920 लंदन को आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा तो मिली, लेकिन खासतौर पर नकारात्मक भी शामिल थी। कोई मोई ने इस फिल्म को 5 में से 1.5 सितारे दिए और लिखा, हम कहाँ से शुरू करें, एक आलसी लेखन, खराब निर्देशन और उससे भी ज़्यादा अविश्वसनीय अभिनय। द टाइम्स ऑफ इंडिया के मोहन बसु ने फिल्म को 5 में से 1 सितारा दिया और कहा, 1920 श्रृंखला तीसरी किश्त में अभी नव की सोच कोई आभास है। इसके बारे में सबसे अच्छी बात यही कही जा सकती है कि साल की सबसे मज़ेदार फिल्मों में से एक रहेगी। बॉलीवुड लाइव की सम्यता ने भी फिल्म को 5 में से सिर्फ 1.5 सितारे दी और लिखा, जब फिल्म इंटरवल के बाद एक अच्छा ट्विस्ट था, यह आश्चर्य की बात नहीं है। जेंडर रिजर्वल को छोड़ दिया जाए तो उनकी पत्नी यहाँ पति को बचा रही है। प्लॉट कहना की आवश्यकता नहीं है। 1920 की पहली फिल्म के सामान यह भी है। 1920 की श्रृंखला में नवीनतम प्रविष्ट बड़े समय को निराश करने है। शर्मन जोशी एकमात्र बचत अनुग्रह है। फिल्म को केवल तभी देखें जब आपके पास करने के लिए कुछ और न हो, वरना टाइम पास के लिए यह आपके मन को नहीं भाएगी। ड्यूप्स न्यूज़ की मंजुषा ने इस फिल्म को सिर्फ 1.5 सितारे दिए और लिखा, विक्रम भट्ट ने बॉलीवुड की प्रेम कहानियों में प्रचलित हर क्विच को समाप्त कर दिया है। सौरभ्य स्थान आपको उपहार वो कोई देंगे। जब पहले कुछ दृश्य जिसमें बुरी आत्मा अपना रोष प्रकट करती है चौंकाने वाला या फिर थकाने वाला यह फिल्म है। 1920 फिल्म के संगीत शारिब तोशी और जया मेट के द्वारा लिखे थे। पहला गाना गुमनाम है कोई, जो कि 1965 की फिल्म गुमनाम के मूल शीर्षक का एक बार फिर से पुनर्निर्मित संस्करण है। 9 अप्रैल 2016 को इसे जारी किया गया था। सारेगामापा जो इसके निर्माता माने जाते हैं अपने बैनर के तहत सारेगामापा ने इसे जारी किया गया था। पूर्ण एल्बम को 21 अप्रैल 2016 को अच्छी समीक्षकाओं के लिए भी प्रदर्शित किया गया। पहला गाना गुमनाम है कोई लंबाई इसकी 4 मिनट और 25 सेकंड के आसपास थी। आज मैं आपको 1920 लंदन मूवी की कहानी, फिल्म के दिलचस्प फैक्ट और फिल्म से जुड़ी अनसुने किस्से बताऊंगा। 1920 लंदन यह फिल्म की कहानी राजस्थान के सीकर में एक शाही घराने की राजकुमारी शिवांगी के साथ शुरू होती है। शिवांगी के जीवन को इस फिल्म में दर्शाया गया है, जो अपने पति कुंवर वीर सिंह के साथ लंदन में चली जाती है। वह एक खुशहाल जोड़े के तौर पर है, जब वह वीर को एक दिन एक छोटी सी बीमारी के तौर पर देखती है। जल्द ही यह बीमारी एक बड़ी बीमारी के तौर पर बदल जाती है। उसके शरीर को सिकड़ना और सिर भी अब धीरे धीरे सिकड़ना शुरू होता है। वीर को अस्पताल भर्ती कर दिया जाता है और उसके लक्षण अभी भी बिगड़ते जा रहे हैं। उसका शरीर अस्वाभाविक रूप से सिकड़ने लगता है। वह अजीब भाषाओं में गुर्राता है। डॉक्टर ने इसे
अपनी तरफ से पूरे प्रयास करके लाइलाज मानते हैं। 1920 लंदन को आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा तो मिली, लेकिन खासतौर पर नकारात्मक भी शामिल थी। कोइमोई ने इस फिल्म को 5 में से 1.5 सितारे दिए और लिखा, हम कहाँ से शुरू करें, एक आलसी लेखन, खराब निर्देशन और उससे भी ज़्यादा अविश्वसनीय अभिनय। द टाइम्स ऑफ इंडिया की मोहन बसु ने फिल्म को 5 में से 1 सितारा दिया और कहा, 1920 श्रृंखला तीसरी किस्त में अभिनव की सोच कोई आभास है। इसके बारे में सबसे अच्छी बात यही कही जा सकती है कि साल की सबसे मज़ेदार फिल्मों में से एक रहेगी। बॉलीवुड लाइफ की सम्यता ने भी फिल्म को 5 में से सिर्फ 1.5 सितारे दी और लिखा, जब फिल्म इंटरवल के बाद एक अच्छा ट्विस्ट था, यह आश्चर्य की बात नहीं है। जेंडर रिजर्वल को छोड़ दिया जाए तो उनकी पत्नी यहाँ पति को बचा रही है, प्लॉट कहना की आवश्यकता नहीं है। 1920 की पहली फिल्म के समान यह भी है। 1920 की श्रृंखला में नवीनतम प्रविष्ट बड़े समय को निराश करने है। शर्मन जोशी एकमात्र बचत अनुग्रह है। फिल्म को केवल तभी देखें जब आपके पास करने के लिए कुछ और न हो, वरना टाइम पास के लिए यह आपके मन को नहीं भाएगी। ड्यूब्स न्यूज़ की मंजूषा ने इस फिल्म को सिर्फ 1.5 सितारे दिए और लिखा, विक्रम भट्ट ने बॉलीवुड की प्रेम कहानियों में प्रचलित हर क्विच को समाप्त कर दिया है। सौरभ्य स्थान आपको उभार वो कोई देंगे। जब पहले कुछ दृश्य जिसमें बुरी आत्मा अपना रोष प्रकट करती है चौंकाने वाला या फिर थकाने वाला यह फिल्म है। 1920 फिल्म के संगीत शारिब तोशी और जामेर के द्वारा लिखे थे। पहला गाना गुमनाम है कोई, जो कि 1965 की फिल्म गुमनाम के मूल शीर्षक का एक बार फिर से पुनर्निर्मित संस्करण है। 9 अप्रैल 2016 को इसे जारी किया गया था। सारेगामापा जो इसके निर्माता माने जाते हैं, अपने बैनर के तहत सारेगामापा ने इसे जारी किया गया था। पूर्ण एल्बम को 21 अप्रैल 2016 को अच्छी समीक्षकों के लिए भी प्रदर्शित किया गया। पहला गाना गुमनाम है कोई लंबाई इसकी 4 मिनट और 25 सेकंड के आसपास थी। आज मैं आपको 1920 लंदन मूवी की कहानी, फिल्म के दिलचस्प फैक्ट और फिल्म से जुड़ी अनसुने किस्से बताऊंगा। 1920 लंदन यह फिल्म की कहानी राजस्थान के सीकर में एक शाही घराने की राजकुमारी शिवांगी के साथ शुरू होती है। शिवांगी के जीवन को इस फिल्म में दर्शाया गया है, जो अपने पति कुंवर वीर सिंह के साथ लंदन में चली जाती है। वह एक खुशहाल जोड़े के तौर पर है जब वह वीर को एक दिन एक छोटी सी बीमारी के तौर पर देखती है। जल्द ही यह बीमारी एक बड़ी बीमारी के तौर पर बदल जाती है। उसके शरीर को सिकड़ना और सिर भी अब धीरे धीरे सिकड़ना शुरू होता है। वीर को अस्पताल भर्ती कर दिया जाता है और उसके लक्षण अभी भी बिगड़ते जा रहे हैं। उसका शरीर अस्वाभाविक रूप से सिकड़ने लगता है। वह अजीब भाषाओं में गुर्राता है। डॉक्टर ने इसे अपनी तरफ से पूरे प्रयास करके लाइलाज मानते हैं। 1920 लंदन को आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा तो मिली, लेकिन खासतौर पर नकारात्मक भी शामिल थी। कोइमोई ने इस फिल्म को 5 में से 1.5 सितारे दिए और लिखा, हम कहाँ से शुरू करें, एक आलसी लेखन, खराब निर्देशन और उससे भी ज़्यादा अविश्वसनीय अभिनय। द टाइम्स ऑफ इंडिया की मोहन बसु ने फिल्म को 5 में से 1 सितारा दिया और कहा, 1920 श्रृंखला तीसरी किस्त में अभिनव की सोच कोई आभास है। इसके बारे में सबसे अच्छी बात यही कही जा सकती है कि साल की सबसे मज़ेदार फिल्मों में से एक रहेगी। बॉलीवुड लाइफ की सम्यता ने भी फिल्म को 5 में से सिर्फ 1.5 सितारे दी और लिखा, जब फिल्म इंटरवल के बाद एक अच्छा ट्विस्ट था, यह आश्चर्य की बात नहीं है। जेंडर रिजर्वल को छोड़ दिया जाए तो उनकी पत्नी यहाँ पति को बचा रही है, प्लॉट कहना की आवश्यकता नहीं है। 1920 की पहली फिल्म के समान यह भी है। 1920 की श्रृंखला में नवीनतम प्रविष्ट बड़े समय को निराश करने है। शर्मन जोशी एकमात्र बचत अनुग्रह है। फिल्म को केवल तभी देखें जब आपके पास करने के लिए कुछ और न हो, वरना टाइम पास के लिए यह आपके मन को नहीं भाएगी। ड्यूब्स न्यूज़ की मंजूषा ने इस फिल्म को सिर्फ 1.5 सितारे दिए और लिखा, विक्रम भट्ट ने बॉलीवुड की प्रेम कहानियों में प्रचलित हर क्विच को समाप्त कर दिया है। सौरभ्य स्थान आपको उभार वो कोई देंगे। जब पहले कुछ दृश्य जिसमें बुरी आत्मा अपना रोष प्रकट करती है चौंकाने वाला या फिर थकाने वाला यह फिल्म है। 1920 फिल्म के संगीत शारिब तोशी और जामेर के द्वारा लिखे थे। पहला गाना गुमनाम है कोई, जो कि 1965 की फिल्म गुमनाम के मूल शीर्षक का एक बार फिर से पुनर्निर्मित संस्करण है।
9 अप्रैल 2016 को इसे जारी किया गया था। सारेगामापा जो इसके निर्माता माने जाते हैं, अपने बैनर के तहत सारेगामापा ने इसे जारी किया गया था। पूर्ण एल्बम को 21 अप्रैल 2016 को अच्छी समीक्षकाओं के लिए भी प्रदर्शित किया गया। पहला गाना गुमनाम है, कोई लंबाई इसकी 4 मिनट और 25 सेकंड के आसपास थी। आज मैं आपको 1920 लंदन मूवी की कहानी, फिल्म के दिलचस्प फैक्ट और फिल्म से जुड़ी अनसुने किस्से बताऊंगा। 1920 लंदन, यह फिल्म की कहानी राजस्थान के सीकर में एक शाही घराने की राजकुमारी शिवांगी के साथ शुरू होती है। शिवांगी के जीवन को इस फिल्म में दर्शाया गया है, जो अपने पति कुंवर वीर सिंह के साथ लंदन में चली जाती है। वह एक खुशहाल जोड़े के तौर पर है, जब वह वीर को एक दिन एक छोटी सी बीमारी के तौर पर देखती है। जल्द ही यह बीमारी एक बड़ी बीमारी के तौर पर बदल जाती है। उसके शरीर को सिकड़ना और सिर भी अब धीरे धीरे सिकड़ना शुरू होता है। वीर को अस्पताल भर्ती कर दिया जाता है और उसके लक्षण अभी भी बिगड़ते जा रहे हैं। उसका शरीर अस्वाभाविक रूप से सिकड़ने लगता है, वह अजीब भाषाओं में गुर्राता है। डॉक्टर ने इसे अपनी तरफ से पूरे प्रयास करके लाइलाज मानते हैं। 1920 लंदन को आलोचनाओं से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा तो मिली, लेकिन खासतौर पर नकारात्मक भी शामिल थी। कोई मोई ने इस फिल्म को 5 में से 1.5 सितारे दिए और लिखा, हम कहाँ से शुरू करें, एक आलसी लेखन, खराब निर्देशन और उससे भी ज़्यादा अविश्वसनीय अभिनय। द टाइम्स ऑफ इंडिया की मोहन बसु ने फिल्म को 5 में से 1 सितारा दिया और कहा, 1920 श्रृंखला तीसरी किस्त में अभिनव की सोच कोई आभास है। इसके बारे में सबसे अच्छी बात यही कही जा सकती है कि साल की सबसे मज़ेदार फिल्मों में से एक रहेगी। बॉलीवुड लाइफ की सम्यता ने भी फिल्म को 5 में से सिर्फ 1.5 सितारे दी और लिखा, जब फिल्म इंटरवल के बाद एक अच्छा ट्विस्ट था, यह आश्चर्य की बात नहीं है। जेंडर रिजर्वल को छोड़ दिया जाए तो उनकी पत्नी यहाँ पति को बचा रही है, प्लॉट कहना की आवश्यकता नहीं है। 1920 की पहली फिल्म के समान यह भी है। 1920 की श्रृंखला में नवीनतम प्रविष्ट बड़े समय को निराश करने है। शर्मन जोशी एकमात्र बचत अनुग्रह है। फिल्म को केवल तभी देखें जब आपके पास करने के लिए कुछ और न हो, वरना टाइम पास के लिए यह आपके मन को नहीं भाएगी। ड्यूब्स न्यूज़ की मंजूषा ने इस फिल्म को 1.5 सितारे दिए और लिखा, विक्रम भट्ट ने बॉलीवुड की प्रेम कहानियों में प्रचलित हर क्विच को समाप्त कर दिया है। सौरभ्य स्थान आपको उभार वो कोई देंगे। जब पहले कुछ दृश्य जिसमें बुरी आत्मा अपना रोष प्रकट करती है चौंकाने वाला या फिर थकाने वाला यह फिल्म है। 1920 फिल्म के संगीत शारिब तोशी और जया मेट के द्वारा लिखे थे। पहला गाना गुमनाम है कोई, जो कि 1965 की फिल्म गुमनाम के मूल शीर्षक का एक बार फिर से पुनर्निर्मित संस्करण है। 9 अप्रैल 2016 को इसे जारी किया गया था। सारेगामापा जो इसके निर्माता माने जाते हैं, अपने बैनर के तहत सारेगामापा ने इसे जारी किया गया था। पूर्ण एल्बम को 21 अप्रैल 2016 को अच्छी समीक्षकाओं के लिए भी प्रदर्शित किया गया। पहला गाना गुमनाम है, कोई लंबाई इसकी 4 मिनट और 25 सेकंड के आसपास थी। आज मैं आपको 1920 लंदन मूवी की कहानी, फिल्म के दिलचस्प फैक्ट और फिल्म से जुड़ी अनसुने किस्से बताऊंगा। 1920 लंदन, यह फिल्म की कहानी राजस्थान के सीकर में एक शाही घराने की राजकुमारी शिवांगी के साथ शुरू होती है। शिवांगी के जीवन को इस फिल्म में दर्शाया गया है, जो अपने पति कुंवर वीर सिंह के साथ लंदन में चली जाती है। वह एक खुशहाल जोड़े के तौर पर है, जब वह वीर को एक दिन एक छोटी सी बीमारी के तौर पर देखती है। जल्द ही यह बीमारी एक बड़ी बीमारी के तौर पर बदल जाती है। उसके शरीर को सिकड़ना और सिर भी अब धीरे धीरे सिकड़ना शुरू होता है। वीर को अस्पताल भर्ती कर दिया जाता है और उसके लक्षण अभी भी बिगड़ते जा रहे हैं। उसका शरीर अस्वाभाविक रूप से सिकड़ने लगता है, वह अजीब भाषाओं में गुर्राता है। डॉक्टर ने इसे अपनी तरफ से पूरे प्रयास करके लाइलाज मानते हैं। 1920 लंदन को आलोचनाओं से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा तो मिली, लेकिन खासतौर पर नकारात्मक भी शामिल थी। कोई मोई ने इस फिल्म को 5 में से 1.5 सितारे दिए और लिखा, हम कहाँ से शुरू करें, एक आलसी लेखन, खराब निर्देशन और उससे भी ज़्यादा अविश्वसनीय अभिनय। द टाइम्स ऑफ इंडिया की मोहन बसु ने फिल्म को 5 में से 1 सितारा दिया और कहा, 1920 श्रृंखला तीसरी किस्त में अभिनव की सोच कोई
आभास है। इसके बारे में सबसे अच्छी बात यही कही जा सकती है कि साल की सबसे मज़ेदार फिल्मों में से एक रहेगी। बॉलीवुड लाइव की सब मेहता ने भी फिल्म को 5 में से सिर्फ 1.5 सितारे दी और लिखा, जब फिल्म इंटरवल के बाद एक अच्छा ट्विस्ट था, यह आश्चर्य की बात नहीं है। जेंडर रिजर्वल को छोड़ दिया जाए तो उनकी पत्नी यहाँ पति को बचा रही है, प्लॉट कहना की आवश्यकता नहीं है। 1920 की पहली फिल्म के सामान यह भी है। 1920 की श्रृंखला में नवीनतम प्रविष्ट बड़े समय को निराश करने है। शर्मन जोशी एकमात्र बचत अनुग्रह है। फिल्म को केवल तभी देखें जब आपके पास करने के लिए कुछ और न हो, वरना टाइम पास के लिए यह आपके मन को नहीं भाएगी। ड्यूप्स न्यूज़ की मंजूषा ने इस फिल्म को सिर्फ 1.5 सितारे दिए और लिखा, विक्रम भट्ट ने बॉलीवुड की प्रेम कहानियों में प्रचलित हर क्विच को समाप्त कर दिया है। सौरभ्य स्थान आपको उपहार वो कोई देंगे। जब पहले कुछ दृश्य जिसमें बुरी आत्मा अपना रोष प्रकट करती है चौंकाने वाला या फिर थकाने वाला यह फिल्म है। 1920 फिल्म के संगीत शारिब तोशी और जया मेहर के द्वारा लिखे थे। पहला गाना गुमनाम है कोई, जो कि 1965 की फिल्म गुमनाम के मूल शीर्षक का एक बार फिर से पुनर्निर्मित संस्करण है। 9 अप्रैल 2016 को इसे जारी किया गया था। सारेगामापा जो इसके निर्माता माने जाते हैं, अपने बैनर के तहत सारेगामापा ने इसे जारी किया गया था। पूर्ण एल्बम को 21 अप्रैल 2016 को अच्छी समीक्षकाओं के लिए भी प्रदर्शित किया गया। पहला गाना गुमनाम है कोई लंबाई इसकी 4 मिनट और 25 सेकंड के आसपास थी। आज मैं आपको 1920 लंदन मूवी की कहानी, फिल्म के दिलचस्प फैक्ट और फिल्म से जुड़ी अनसुने किस्से बताऊंगा। 1920 लंदन यह फिल्म की कहानी राजस्थान के सीकर में एक शाही घराने की राजकुमारी शिवांगी के साथ शुरू होती है। शिवांगी के जीवन को इस फिल्म में दर्शाया गया है, जो अपने पति कुंवर वीर सिंह के साथ लंदन में चली जाती है। वह एक खुशहाल जोड़े के तौर पर है जब वह वीर को एक दिन एक छोटी सी बीमारी के तौर पर देखती है। जल्द ही यह बीमारी एक बड़ी बीमारी के तौर पर बदल जाती है। उसके शरीर को सिकड़ना और सिर भी अब धीरे धीरे सिकड़ना शुरू होता है। वीर को अस्पताल भर्ती कर दिया जाता है और उसके लक्षण अभी भी बिगड़ते जा रहे हैं। उसका शरीर अस्वाभाविक रूप से सिकड़ना लगता है। वह अजीब भाषाओं में गुर्राता है। डॉक्टर ने इसे अपनी तरफ से पूरे प्रयास करके लाइलाज मानते हैं। 1920 लंदन को आलोचनाओं से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा तो मिली, लेकिन खासतौर पर नकारात्मक भी शामिल थी। कोई मोई ने इस फिल्म को 5 में से 1.5 सितारे दिए और लिखा, हम कहाँ से शुरू करें, एक आलसी लेखन, खराब निर्देशन और उससे भी ज़्यादा अविश्वसनीय अभिनय। द टाइम्स ऑफ इंडिया के मोहन बसु ने फिल्म को 5 में से 1 सितारा दिया और कहा, 1920 श्रृंखला तीसरी किश्त में अभी नव की सोच कोई आभास है। इसके बारे में सबसे अच्छी बात यही कही जा सकती है कि साल की सबसे मज़ेदार फिल्मों में से एक रहेगी। बॉलीवुड लाइव की सब मेहता ने भी फिल्म को 5 में से सिर्फ 1.5 सितारे दी और लिखा, जब फिल्म इंटरवल के बाद एक अच्छा ट्विस्ट था, यह आश्चर्य की बात नहीं है। जेंडर रिजर्वल को छोड़ दिया जाए तो उनकी पत्नी यहाँ पति को बचा रही है, प्लॉट कहना की आवश्यकता नहीं है। 1920 की पहली फिल्म के सामान यह भी है। 1920 की श्रृंखला में नवीनतम प्रविष्ट बड़े समय को निराश करने है। शर्मन जोशी एकमात्र बचत अनुग्रह है। फिल्म को केवल तभी देखें जब आपके पास करने के लिए कुछ और न हो, वरना टाइम पास के लिए यह आपके मन को नहीं भाएगी। ड्यूप्स न्यूज़ की मंजूषा ने इस फिल्म को सिर्फ 1.5 सितारे दिए और लिखा, विक्रम भट्ट ने बॉलीवुड की प्रेम कहानियों में प्रचलित हर क्विच को समाप्त कर दिया है। सौरभ्य स्थान आपको उपहार वो कोई देंगे। जब पहले कुछ दृश्य जिसमें बुरी आत्मा अपना रोष प्रकट करती है चौंकाने वाला या फिर थकाने वाला यह फिल्म है। 1920 फिल्म के संगीत शारिब तोशी और जया मेहर के द्वारा लिखे थे। पहला गाना गुमनाम है कोई, जो कि 1965 की फिल्म गुमनाम के मूल शीर्षक का एक बार फिर से पुनर्निर्मित संस्करण है। 9 अप्रैल 2016 को इसे जारी किया गया था। सारेगामापा जो इसके निर्माता माने जाते हैं, अपने बैनर के तहत सारेगामापा ने इसे जारी किया गया था। पूर्ण एल्बम को 21 अप्रैल 2016 को अच्छी समीक्षकाओं के लिए भी प्रदर्शित किया गया। पहला गाना गुमनाम है कोई लंबाई इसकी 4 मिनट और 25 सेकंड के आसपास थी। आज मैं आपको 1920 लंदन मूवी की कहानी, फिल्म के दिलचस्प फैक्ट और फिल्म से जुड़ी अनसुने किस्से बताऊंगा।
1920 लंदन, यह फिल्म की कहानी राजस्थान के सीकर में एक शाही घराने की राजकुमारी शिवांगी के साथ शुरू होती है। शिवांगी के जीवन को इस फिल्म में दर्शाया गया है, जो अपने पति कुंवर वीर सिंह के साथ लंदन में चली जाती है। वह एक खुशहाल जोड़े के तौर पर है, जब वह वीर को एक दिन एक छोटी सी बीमारी के तौर पर देखती है। जल्द ही यह बीमारी एक बड़ी बीमारी के तौर पर बदल जाती है। उसके शरीर को सिकड़ना और सिर भी अब धीरे धीरे सिकड़ना शुरू होता है। वीर को अस्पताल भर्ती कर दिया जाता है और उसके लक्षण अभी भी बिगड़ते जा रहे हैं। उसका शरीर अस्वाभाविक रूप से सिकड़ने लगता है। वह अजीब भाषाओं में गुर्राता है। डॉक्टर ने इसे अपनी तरफ से पूरे प्रयास करके लाइलाज मानते हैं। 1920 लंदन को आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा तो मिली, लेकिन खासतौर पर नकारात्मक भी शामिल थी। कोई मोई ने इस फिल्म को 5 में से 1.5 सितारे दिए और लिखा, हम कहाँ से शुरू करें, एक आलसी लेखन, खराब निर्देशन और उससे भी ज़्यादा अविश्वसनीय अभिनय। द टाइम्स ऑफ इंडिया की मोहन बसु ने फिल्म को 5 में से 1 सितारा दिया और कहा, 1920 श्रृंखला तीसरी किश्त में अभिनव की सोच कोई आभास है। इसके बारे में सबसे अच्छी बात यही कही जा सकती है कि साल की सबसे मज़ेदार फिल्मों में से एक रहेगी। बॉलीवुड लाइफ की सम्यता ने भी फिल्म को 5 में से सिर्फ 1.5 सितारे दी और लिखा, जब फिल्म इंटरवल के बाद एक अच्छा ट्विस्ट था, यह आश्चर्य की बात नहीं है। जेंडर रिजर्वल को छोड़ दिया जाए तो उनकी पत्नी यहाँ पति को बचा रही है। प्लॉट कहना की आवश्यकता नहीं है। 1920 की पहली फिल्म के समान यह भी है। 1920 की श्रृंखला में नवीनतम प्रविष्ट बड़े समय को निराश करने है। शर्मन जोशी एकमात्र बचत अनुग्रह है। फिल्म को केवल तभी देखें जब आपके पास करने के लिए कुछ और न हो, वरना टाइम पास के लिए यह आपके मन को नहीं भाएगी। ड्यूब्स न्यूज़ की मंजूषा ने इस फिल्म को सिर्फ 1.5 सितारे दिए और लिखा, विक्रम भट्ट ने बॉलीवुड की प्रेम कहानियों में प्रचलित हर क्विच को समाप्त कर दिया है। सौरभ स्थान आपको उभार वो कोई देंगे। जब पहले कुछ दृश्य जिसमें बुरी आत्मा अपना रोष प्रकट करती है चौंकाने वाला या फिर थकाने वाला यह फिल्म है। 1920 फिल्म के संगीत शारिब तोशी और जया मेहर के द्वारा लिखे थे। पहला गाना गुमनाम है कोई, जो कि 1965 की फिल्म गुमनाम के मूल शीर्षक का एक बार फिर से पुनर्निर्मित संस्करण है। 9 अप्रैल 2016 को इसे जारी किया गया था। सारेगामापा जो इसके निर्माता माने जाते हैं, अपने बैनर के तहत सारेगामापा ने इसे जारी किया गया था। पूर्ण एल्बम को 21 अप्रैल 2016 को अच्छी समीक्षकों के लिए भी प्रदर्शित किया गया। पहला गाना गुमनाम है कोई लंबाई इसकी 4 मिनट और 25 सेकंड के आसपास थी। आज मैं आपको 1920 लंदन मूवी की कहानी, फिल्म के दिलचस्प फैक्ट और फिल्म से जुड़ी अनसुने किस्से बताऊंगा। 1920 लंदन, यह फिल्म की कहानी राजस्थान के सीकर में एक शाही घराने की राजकुमारी शिवांगी के साथ शुरू होती है। शिवांगी के जीवन को इस फिल्म में दर्शाया गया है, जो अपने पति कुंवर वीर सिंह के साथ लंदन में चली जाती है। वह एक खुशहाल जोड़े के तौर पर है, जब वह वीर को एक दिन एक छोटी सी बीमारी के तौर पर देखती है। जल्द ही यह बीमारी एक बड़ी बीमारी के तौर पर बदल जाती है। उसके शरीर को सिकड़ना और सिर भी अब धीरे धीरे सिकड़ना शुरू होता है। वीर को अस्पताल भर्ती कर दिया जाता है और उसके लक्षण अभी भी बिगड़ते जा रहे हैं। उसका शरीर अस्वाभाविक रूप से सिकड़ने लगता है। वह अजीब भाषाओं में गुर्राता है। डॉक्टर ने इसे अपनी तरफ से पूरे प्रयास करके लाइलाज मानते हैं। 1920 लंदन को आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा तो मिली, लेकिन खासतौर पर नकारात्मक भी शामिल थी। कोई मोई ने इस फिल्म को 5 में से 1.5 सितारे दिए और लिखा, हम कहाँ से शुरू करें, एक आलसी लेखन, खराब निर्देशन और उससे भी ज़्यादा अविश्वसनीय अभिनय। द टाइम्स ऑफ इंडिया की मोहन बसु ने फिल्म को 5 में से 1 सितारा दिया और कहा, 1920 श्रृंखला तीसरी किश्त में अभिनव की सोच कोई आभास है। इसके बारे में सबसे अच्छी बात यही कही जा सकती है कि साल की सबसे मज़ेदार फिल्मों में से एक रहेगी। बॉलीवुड लाइफ की सम्यता ने भी फिल्म को 5 में से सिर्फ 1.5 सितारे दी और लिखा, जब फिल्म इंटरवल के बाद एक अच्छा ट्विस्ट था, यह आश्चर्य की बात नहीं है। जेंडर रिजर्वल को छोड़ दिया जाए तो उनकी पत्नी यहाँ पति को बचा रही है। प्लॉट कहना की आवश्यकता नहीं है। 1920 की पहली फिल्म के समान यह भी है। 1920 की श्रृंखला में नवीनतम प्रविष्ट बड़े समय को निराश करने है।
शर्मन जोशी एकमात्र बचत अनुग्रह है। फिल्म को केवल तभी देखें जब आपके पास करने के लिए कुछ और ना हो, वरना टाइम पास के लिए यह आपके मन को नहीं भाएगी। ड्यूप्स न्यूज़ की मंजूषा ने इस फिल्म को सिर्फ 1.5 सितारे दिए और लिखा, विक्रम भट्ट ने बॉलीवुड की प्रेम कहानियों में प्रचलित हर क्विच को समाप्त कर दिया है। सौरभ्य स्थान आपको उपहार वो कोई देंगे। जब पहले कुछ दृश्य जिसमें बुरी आत्मा अपना रोष प्रकट करती है चौंकाने वाला या फिर थकाने वाला यह फिल्म है। 1920 फिल्म के संगीत शारिब तोशी और जामेर के द्वारा लिखे थे। पहला गाना गुमनाम है कोई, जो कि 1965 की फिल्म गुमनाम के मूल शीर्षक का एक बार फिर से पुनर्निर्मित संस्करण है। 9 अप्रैल 2016 को इसे जारी किया गया था। सारेगामापा जो इसके निर्माता माने जाते हैं, अपने बैनर के तहत सारेगामापा ने इसे जारी किया गया था। पूर्ण एल्बम को 21 अप्रैल 2016 को अच्छी समीक्षकाओं के लिए भी प्रदर्शित किया गया। पहला गाना गुमनाम है कोई लंबाई इसकी 4 मिनट और 25 सेकंड के आसपास थी। आज मैं आपको 1920 लंदन मूवी की कहानी, फिल्म के दिलचस्प फैक्ट और फिल्म से जुड़ी अनसुने किस्से बताऊंगा। 1920 लंदन यह फिल्म की कहानी राजस्थान के सीकर में एक शाही घराने की राजकुमारी शिवांगी के साथ शुरू होती है। शिवांगी के जीवन को इस फिल्म में दर्शाया गया है, जो अपने पति कुंवर वीर सिंह के साथ लंदन में चली जाती है। वह एक खुशहाल जोड़े के तौर पर है जब वह वीर को एक दिन एक छोटी सी बीमारी के तौर पर देखती है। जल्द ही यह बीमारी एक बड़ी बीमारी के तौर पर बदल जाती है। उसके शरीर को सिकड़ना और सिर भी अब धीरे धीरे सिकड़ना शुरू होता है। वीर को अस्पताल भर्ती कर दिया जाता है और उसके लक्षण अभी भी बिगड़ते जा रहे हैं। उसका शरीर अस्वाभाविक रूप से सिकड़ने लगता है। वह अजीब भाषाओं में गुर्राता है। डॉक्टर ने इसे अपनी तरफ से पूरे प्रयास करके लाइलाज मानते हैं। 1920 लंदन को आलोचनाओं से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा तो मिली, लेकिन खासतौर पर नकारात्मक भी शामिल थी। कोई मोई ने इस फिल्म को 5 में से 1.5 सितारे दिए और लिखा, हम कहाँ से शुरू करें, एक आलसी लेखन, खराब निर्देशन और उससे भी ज़्यादा अविश्वसनीय अभिनय। द टाइम्स ऑफ इंडिया के मोहन बसु ने फिल्म को 5 में से 1 सितारा दिया और कहा, 1920 श्रृंखला तीसरी किश्त में अभिनव की सोच कोई आभास है। इसके बारे में सबसे अच्छी बात यही कही जा सकती है कि साल की सबसे मज़ेदार फिल्मों में से एक रहेगी। बॉलीवुड लाइफ की सम्यता ने भी फिल्म को 5 में से सिर्फ 1.5 सितारे दी और लिखा, जब फिल्म इंटरवल के बाद एक अच्छा ट्विस्ट था, यह आश्चर्य की बात नहीं है। जेंडर रिजर्वल को छोड़ दिया जाए तो उनकी पत्नी यहाँ पति को बचा रही है। प्लॉट कहना की आवश्यकता नहीं है। 1920 की पहली फिल्म के समान यह भी है। 1920 की श्रृंखला में नवीनतम प्रविष्ट बड़े समय को निराश करने है। शर्मन जोशी एकमात्र बचत अनुग्रह है। फिल्म को केवल तभी देखें जब आपके पास करने के लिए कुछ और ना हो, वरना टाइम पास के लिए यह आपके मन को नहीं भाएगी। ड्यूप्स न्यूज़ की मंजूषा ने इस फिल्म को सिर्फ 1.5 सितारे दिए और लिखा, विक्रम भट्ट ने बॉलीवुड की प्रेम कहानियों में प्रचलित हर क्विच को समाप्त कर दिया है। सौरभ्य स्थान आपको उपहार वो कोई देंगे। जब पहले कुछ दृश्य जिसमें बुरी आत्मा अपना रोष प्रकट करती है चौंकाने वाला या फिर थकाने वाला यह फिल्म है। 1920 फिल्म के संगीत शारिब तोशी और जामेर के द्वारा लिखे थे। पहला गाना गुमनाम है कोई, जो कि 1965 की फिल्म गुमनाम के मूल शीर्षक का एक बार फिर से पुनर्निर्मित संस्करण है। 9 अप्रैल 2016 को इसे जारी किया गया था। सारेगामापा जो इसके निर्माता माने जाते हैं, अपने बैनर के तहत सारेगामापा ने इसे जारी किया गया था। पूर्ण एल्बम को 21 अप्रैल 2016 को अच्छी समीक्षकाओं के लिए भी प्रदर्शित किया गया। पहला गाना गुमनाम है कोई लंबाई इसकी 4 मिनट और 25 सेकंड के आसपास थी। आज मैं आपको 1920 लंदन मूवी की कहानी, फिल्म के दिलचस्प फैक्ट और फिल्म से जुड़ी अनसुने किस्से बताऊंगा। 1920 लंदन यह फिल्म की कहानी राजस्थान के सीकर में एक शाही घराने की राजकुमारी शिवांगी के साथ शुरू होती है। शिवांगी के जीवन को इस फिल्म में दर्शाया गया है, जो अपने पति कुंवर वीर सिंह के साथ लंदन में चली जाती है। वह एक खुशहाल जोड़े के तौर पर है जब वह वीर को एक दिन एक छोटी सी बीमारी के तौर पर देखती है। जल्द ही यह बीमारी एक बड़ी बीमारी के तौर पर बदल जाती है। उसके शरीर को सिकड़ना और सिर भी अब धीरे धीरे सिकड़ना शुरू होता है। वीर को अस्पताल भर्ती कर दिया जाता है
और उसके लक्षण अभी भी बिगड़ते जा रहे हैं। उसका शरीर अस्वाभाविक रूप से सिकटने लगता है, वह अजीब भाषाओं में गुर्राता है। डॉक्टर ने इसे अपनी तरफ से पूरे प्रयास करके लाइलाज मानते हैं। 1920 लंदन को आलोचनाओं से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा तो मिली, लेकिन खासतौर पर नकारात्मक भी शामिल थी। कोइमोई ने इस फिल्म को 5 में से 1.5 सितारे दिए और लिखा, हम कहाँ से शुरू करें, एक आलसी लेखन, खराब निर्देशन और उससे भी ज़्यादा अविश्वसनीय अभिनय। द टाइम्स ऑफ इंडिया की मोहन बसु ने फिल्म को 5 में से 1 सितारा दिया और कहा, 1920 श्रृंखला तीसरी किस्त में अभिनव की सोच कोई आभास है। इसके बारे में सबसे अच्छी बात यही कही जा सकती है कि साल की सबसे मज़ेदार फिल्मों में से एक रहेगी। बॉलीवुड लाइफ की सम्यता ने भी फिल्म को 5 में से सिर्फ 1.5 सितारे दी और लिखा, जब फिल्म इंटरवल के बाद एक अच्छा ट्विस्ट था, यह आश्चर्य की बात नहीं है। जेंडर रिजर्वल को छोड़ दिया जाए तो उनकी पत्नी यहाँ पति को बचा रही है, प्लॉट कहना की आवश्यकता नहीं है। 1920 की पहली फिल्म के सामान यह भी है। 1920 की श्रृंखला में नवीनतम प्रविष्ट बड़े समय को निराश करने है। शर्मन जोशी एकमात्र बचत अनुग्रह है। फिल्म को केवल तभी देखें जब आपके पास करने के लिए कुछ और न हो, वरना टाइम पास के लिए यह आपके मन को नहीं भाएगी। ड्यूब्स न्यूज़ की मंजूषा ने इस फिल्म को 1.5 सितारे दिए और लिखा, विक्रम भट्ट ने बॉलीवुड की प्रेम कहानियों में प्रचलित हर क्विच को समाप्त कर दिया है। सौरभ्यस्थान आपको उभार वो कोई देंगे। जब पहले कुछ दृश्य जिसमें बुरी आत्मा अपना रोष प्रकट करती है चौंकाने वाला या फिर थकाने वाला यह फिल्म है। 1920 फिल्म के संगीत शारिब तोशी और जामेट के द्वारा लिखे थे। पहला गाना गुमनाम है कोई, जो कि 1965 की फिल्म गुमनाम के मूल शीर्षक का एक बार फिर से पुनर्निर्मित संस्करण है। 9 अप्रैल 2016 को इसे जारी किया गया था। सारेगामापा जो इसके निर्माता माने जाते हैं, अपने बैनर के तहत सारेगामापा ने इसे जारी किया गया था। पूर्ण एल्बम को 21 अप्रैल 2016 को अच्छी समीक्षकाओं के लिए भी प्रदर्शित किया गया। पहला गाना गुमनाम है कोई लंबाई इसकी 4 मिनट और 25 सेकंड के आसपास थी। आज मैं आपको 1920 लंदन मूवी की कहानी, फिल्म के दिलचस्प फैक्ट और फिल्म से जुड़ी अनसुने किस्से बताऊंगा। 1920 लंदन यह फिल्म की कहानी राजस्थान के सीकर में एक शाही घराने की राजकुमारी शिवांगी के साथ शुरू होती है। शिवांगी के जीवन को इस फिल्म में दर्शाया गया है, जो अपने पति कुंवर वीर सिंह के साथ लंदन में चली जाती है। वह एक खुशहाल जोड़े के तौर पर है, जब वह वीर को एक दिन एक छोटी सी बीमारी के तौर पर देखती है। जल्द ही यह बीमारी एक बड़ी बीमारी के तौर पर बदल जाती है। उसके शरीर को सिकड़ना और सिर भी अब धीरे धीरे सिकड़ना शुरू होता है। वीर को अस्पताल भर्ती कर दिया जाता है और उसके लक्षण अभी भी बिगड़ते जा रहे हैं। उसका शरीर अस्वाभाविक रूप से सिकड़ने लगता है, वह अजीब भाषाओं में गुर्राता है। डॉक्टर ने इसे अपनी तरफ से पूरे प्रयास करके लाइलाज मानते हैं। 1920 लंदन को आलोचनाओं से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा तो मिली, लेकिन खासतौर पर नकारात्मक भी शामिल थी। कोइमोई ने इस फिल्म को 5 में से 1.5 सितारे दिए और लिखा, हम कहाँ से शुरू करें, एक आलसी लेखन, खराब निर्देशन और उससे भी ज़्यादा अविश्वसनीय अभिनय। द टाइम्स ऑफ इंडिया की मोहन बसु ने फिल्म को 5 में से 1 सितारा दिया और कहा, 1920 श्रृंखला तीसरी किस्त में अभिनव की सोच कोई आभास है। इसके बारे में सबसे अच्छी बात यही कही जा सकती है कि साल की सबसे मज़ेदार फिल्मों में से एक रहेगी। बॉलीवुड लाइफ की सम्यता ने भी फिल्म को 5 में से सिर्फ 1.5 सितारे दी और लिखा, जब फिल्म इंटरवल के बाद एक अच्छा ट्विस्ट था, यह आश्चर्य की बात नहीं है। जेंडर रिजर्वल को छोड़ दिया जाए तो उनकी पत्नी यहाँ पति को बचा रही है, प्लॉट कहना की आवश्यकता नहीं है। 1920 की पहली फिल्म के सामान यह भी है। 1920 की श्रृंखला में नवीनतम प्रविष्ट बड़े समय को निराश करने है। शर्मन जोशी एकमात्र बचत अनुग्रह है। फिल्म को केवल तभी देखें जब आपके पास करने के लिए कुछ और न हो, वरना टाइम पास के लिए यह आपके मन को नहीं भाएगी। ड्यूब्स न्यूज़ की मंजूषा ने इस फिल्म को 1.5 सितारे दिए और लिखा, विक्रम भट्ट ने बॉलीवुड की प्रेम कहानियों में प्रचलित हर क्विच को समाप्त कर दिया है। सौरभ्यस्थान आपको उभार वो कोई देंगे। जब पहले कुछ दृश्य जिसमें बुरी आत्मा अपना रोष प्रकट करती है चौंकाने वाला या फिर थकाने वाला यह फिल्म है।
1920 फिल्म के संगीत शारिब तोशी और जामेट के द्वारा लिखे थे। पहला गाना गुमनाम है कोई, जो कि 1965 की फिल्म गुमनाम के मूल शीर्षक का एक बार फिर से पुनर्निर्मित संस्करण है। 9 अप्रैल 2016 को इसे जारी किया गया था। सारेगामापा जो इसके निर्माता माने जाते हैं, अपने बैनर के तहत सारेगामापा ने इसे जारी किया गया था। पूर्ण एल्बम को 21 अप्रैल 2016 को अच्छी समीक्षकाओं के लिए भी प्रदर्शित किया गया। पहला गाना गुमनाम है कोई लंबाई इसकी 4 मिनट और 25 सेकंड के आसपास थी। आज मैं आपको 1920 लंदन मूवी की कहानी, फिल्म के दिलचस्प फैक्ट और फिल्म से जुड़ी अनसुने किस्से बताऊंगा। 1920 लंदन यह फिल्म की कहानी है। राजस्थान के सीकर में एक शाही घराने की राजकुमारी शिवांगी के साथ शुरू होती है। शिवांगी के जीवन को इस फिल्म में दर्शाया गया है, जो अपने पति कुंवर वीर सिंह के साथ लंदन में चली जाती है। वह एक खुशहाल जोड़े के तौर पर है, जब वह वीर को एक दिन एक छोटी सी बीमारी के तौर पर देखती है। जल्द ही यह बीमारी एक बड़ी बीमारी के तौर पर बदल जाती है। उसके शरीर को सिकड़ना और सिर भी अब धीरे धीरे सिकड़ना शुरू होता है। वीर को अस्पताल भर्ती कर दिया जाता है और उसके लक्षण अभी भी बिगड़ते जा रहे हैं। उसका शरीर अस्वाभाविक रूप से सिकड़ने लगता है। वह अजीब भाषाओं में गुर्राता है। डॉक्टर ने इसे अपनी तरफ से पूरे प्रयास करके लाइलाज मानते हैं। 1920 लंदन को आलोचनाओं से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा तो मिली, लेकिन खासतौर पर नकारात्मक भी शामिल थी। कोई मोई ने इस फिल्म को 5 में से 1.5 सितारे दिए और लिखा, हम कहाँ से शुरू करें, एक आलसी लेखन, खराब निर्देशन और उससे भी ज़्यादा अविश्वसनीय अभिनय। द टाइम्स ऑफ इंडिया के मोहन बसु ने फिल्म को 5 में से 1 सितारा दिया और कहा, 1920 श्रृंखला तीसरी किश्त में अभी नव की सोच कोई आभास है। इसके बारे में सबसे अच्छी बात यही कही जा सकती है कि साल की सबसे मज़ेदार फिल्मों में से एक रहेगी। बॉलीवुड लाइफ की सम्यता ने भी फिल्म को 5 में से सिर्फ 1.5 सितारे दी और लिखा, जब फिल्म इंटरवल के बाद एक अच्छा ट्विस्ट था, यह आश्चर्य की बात नहीं है। जेंडर रिजर्वल को छोड़ दिया जाए तो उनकी पत्नी यहाँ पति को बचा रही है। प्लॉट कहना की आवश्यकता नहीं है। 1920 की पहली फिल्म के सामान यह भी है। 1920 की श्रृंखला में नवीनतम प्रविष्ट बड़े समय को निराश करने है। शर्मन जोशी एकमात्र बचत अनुग्रह है। फिल्म को केवल तभी देखें जब आपके पास करने के लिए कुछ और न हो, वरना टाइम पास के लिए यह आपके मन को नहीं भाएगी। ड्यूप्स न्यूज़ की मंजूषा ने इस फिल्म को 1.5 सितारे दिए और लिखा, विक्रम भट्ट ने बॉलीवुड की प्रेम कहानियों में प्रचलित हर क्विच को समाप्त कर दिया है। सौरभ बिस्तान आपको उभार वो कोई देंगे। जब पहले कुछ दृश्य जिसमें बुरी आत्मा अपना रोष प्रकट करती है, चौंकाने वाला या फिर थकाने वाला यह फिल्म है। 1920 फिल्म के संगीत शारिब तोशी और जामेट के द्वारा लिखे थे। पहला गाना गुमनाम है कोई, जो कि 1965 की फिल्म गुमनाम के मूल शीर्षक का एक बार फिर से पुनर्निर्मित संस्करण है। 9 अप्रैल 2016 को इसे जारी किया गया था। सारेगामापा जो इसके निर्माता माने जाते हैं, अपने बैनर के तहत सारेगामापा ने इसे जारी किया गया था। पूर्ण एल्बम को 21 अप्रैल 2016 को अच्छी समीक्षकाओं के लिए भी प्रदर्शित किया गया। पहला गाना गुमनाम है कोई लंबाई इसकी 4 मिनट और 25 सेकंड के आसपास थी। आज मैं आपको 1920 लंदन मूवी की कहानी, फिल्म के दिलचस्प फैक्ट और फिल्म से जुड़ी अनसुने किस्से बताऊंगा। 1920 लंदन यह फिल्म की कहानी है। राजस्थान के सीकर में एक शाही घराने की राजकुमारी शिवांगी के साथ शुरू होती है। शिवांगी के जीवन को इस फिल्म में दर्शाया गया है, जो अपने पति कुंवर वीर सिंह के साथ लंदन में चली जाती है। वह एक खुशहाल जोड़े के तौर पर है, जब वह वीर को एक दिन एक छोटी सी बीमारी के तौर पर देखती है। जल्द ही यह बीमारी एक बड़ी बीमारी के तौर पर बदल जाती है। उसके शरीर को सिकड़ना और सिर भी अब धीरे धीरे सिकड़ना शुरू होता है। वीर को अस्पताल भर्ती कर दिया जाता है और उसके लक्षण अभी भी बिगड़ते जा रहे हैं। उसका शरीर अस्वाभाविक रूप से सिकड़ने लगता है। वह अजीब भाषाओं में गुर्राता है। डॉक्टर ने इसे अपनी तरफ से पूरे प्रयास करके लाइलाज मानते हैं। 1920 लंदन को आलोचनाओं से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा तो मिली, लेकिन खासतौर पर नकारात्मक भी शामिल थी। कोई मोई ने इस फिल्म को 5 में से 1.5 सितारे दिए और लिखा, हम कहाँ से शुरू करें, एक आलसी लेखन, खराब निर्देशन और उससे भी ज़्यादा अविश्वसनीय अभिनय।
द टाइम्स ऑफ इंडिया के मोहन बसु ने फिल्म को 5 में से 1 सितारा दिया और कहा, 1920 श्रृंखला तीसरी किश्त में अभिनव की सोच कोई आभास है। इसके बारे में सबसे अच्छी बात यही कही जा सकती है कि साल की सबसे मज़ेदार फिल्मों में से एक रहेगी। बॉलीवुड लाइफ की सम्यता ने भी फिल्म को 5 में से सिर्फ 1.5 सितारे दी और लिखा, जब फिल्म इंटरवल के बाद एक अच्छा ट्विस्ट था, यह आश्चर्य की बात नहीं है। जेंडर रिजर्वल को छोड़ दिया जाए तो उनकी पत्नी यहाँ पति को बचा रही है, प्लॉट कहना की आवश्यकता नहीं है। 1920 की पहली फिल्म के समान यह भी है। 1920 की श्रृंखला में नवीनतम प्रविष्ट बड़े समय को निराश करने है। शर्मन जोशी एकमात्र बचत अनुग्रह है। फिल्म को केवल तभी देखें जब आपके पास करने के लिए कुछ और न हो, वरना टाइम पास के लिए यह आपके मन को नहीं भाएगी। ड्यूब्स न्यूज़ की मंजूषा ने इस फिल्म को सिर्फ 1.5 सितारे दिए और लिखा, विक्रम भट्ट ने बॉलीवुड की प्रेम कहानियों में प्रचलित हर क्विच को समाप्त कर दिया है। सौरभ्य स्थान आपको उपहार कोई देंगे। जब पहले कुछ दृश्य जिसमें बुरी आत्मा अपना रोष प्रकट करती है चौंकाने वाला या फिर थकाने वाला यह फिल्म है। 1920 फिल्म के संगीत शारिब तोशी और जया मेट के द्वारा लिखे थे। पहला गाना गुमनाम है कोई, जो कि 1965 की फिल्म गुमनाम के मूल शीर्षक का एक बार फिर से पुनर्निर्मित संस्करण है। 9 अप्रैल 2016 को इसे जारी किया गया था। सारेगामापा जो इसके निर्माता माने जाते हैं, अपने बैनर के तहत सारेगामापा ने इसे जारी किया गया था। पूर्ण एल्बम को 21 अप्रैल 2016 को अच्छी समीक्षकाओं के लिए भी प्रदर्शित किया गया। पहला गाना गुमनाम है कोई लंबाई इसकी 4 मिनट और 25 सेकंड के आसपास थी। आज मैं आपको 1920 लंदन मूवी की कहानी, फिल्म के दिलचस्प फैक्ट और फिल्म से जुड़ी अनसुने किस्से बताऊंगा। 1920 लंदन यह फिल्म की कहानी राजस्थान के सीकर में एक शाही घराने की राजकुमारी शिवांगी के साथ शुरू होती है। शिवांगी के जीवन को इस फिल्म में दर्शाया गया है, जो अपने पति कुंवर वीर सिंह के साथ लंदन में चली जाती है। वह एक खुशहाल जोड़े के तौर पर है जब वह वीर को एक दिन एक छोटी सी बीमारी के तौर पर देखती है। जल्द ही यह बीमारी एक बड़ी बीमारी के तौर पर बदल जाती है। उसके शरीर को सिकड़ना और सिर भी अब धीरे धीरे सिकड़ना शुरू होता है। वीर को अस्पताल भर्ती कर दिया जाता है और उसके लक्षण अभी भी बिगड़ते जा रहे हैं। उसका शरीर अस्वाभाविक रूप से सिकड़ना लगता है। वह अजीब भाषाओं में गुर्राता है। डॉक्टर ने इसे अपनी तरफ से पूरे प्रयास करके लाइलाज मानते हैं। 1920 लंदन को आलोचनाओं से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा तो मिली, लेकिन खासतौर पर नकारात्मक भी शामिल थी। कोई मोई ने इस फिल्म को 5 में से 1.5 सितारे दिए और लिखा, हम कहाँ से शुरू करें, एक आलसी लेखन, खराब निर्देशन और उससे भी ज़्यादा अविश्वसनीय अभिनय। द टाइम्स ऑफ इंडिया के मोहन बसु ने फिल्म को 5 में से 1 सितारा दिया और कहा, 1920 श्रृंखला तीसरी किश्त में अभिनव की सोच कोई आभास है। इसके बारे में सबसे अच्छी बात यही कही जा सकती है कि साल की सबसे मज़ेदार फिल्मों में से एक रहेगी। बॉलीवुड लाइफ की सम्यता ने भी फिल्म को 5 में से सिर्फ 1.5 सितारे दी और लिखा, जब फिल्म इंटरवल के बाद एक अच्छा ट्विस्ट था, यह आश्चर्य की बात नहीं है। जेंडर रिजर्वल को छोड़ दिया जाए तो उनकी पत्नी यहाँ पति को बचा रही है, प्लॉट कहना की आवश्यकता नहीं है। 1920 की पहली फिल्म के समान यह भी है। 1920 की श्रृंखला में नवीनतम प्रविष्ट बड़े समय को निराश करने है। शर्मन जोशी एकमात्र बचत अनुग्रह है। फिल्म को केवल तभी देखें जब आपके पास करने के लिए कुछ और न हो, वरना टाइम पास के लिए यह आपके मन को नहीं भाएगी। ड्यूब्स न्यूज़ की मंजूषा ने इस फिल्म को सिर्फ 1.5 सितारे दिए और लिखा, विक्रम भट्ट ने बॉलीवुड की प्रेम कहानियों में प्रचलित हर क्विच को समाप्त कर दिया है। सौरभ्य स्थान आपको उपहार कोई देंगे। जब पहले कुछ दृश्य जिसमें बुरी आत्मा अपना रोष प्रकट करती है चौंकाने वाला या फिर थकाने वाला यह फिल्म है। 1920 फिल्म के संगीत शारिब तोशी और जया मेट के द्वारा लिखे थे। पहला गाना गुमनाम है कोई, जो कि 1965 की फिल्म गुमनाम के मूल शीर्षक का एक बार फिर से पुनर्निर्मित संस्करण है। 9 अप्रैल 2016 को इसे जारी किया गया था। सारेगामापा जो इसके निर्माता माने जाते हैं, अपने बैनर के तहत सारेगामापा ने इसे जारी किया गया था। पूर्ण एल्बम को 21 अप्रैल 2016 को अच्छी समीक्षकाओं के लिए भी प्रदर्शित किया गया। पहला गाना गुमनाम है कोई लंबाई इसकी 4 मिनट और 25 सेकंड के आसपास थी।
आज मैं आपको 1920 लंदन मूवी की कहानी, फिल्म के दिलचस्प फैक्ट और फिल्म से जुड़ी अनसुने किस्से बताऊंगा। 1920 लंदन यह फिल्म की कहानी राजस्थान के सीकर में एक शाही घराने की राजकुमारी शिवांगी के साथ शुरू होती है। शिवांगी के जीवन को इस फिल्म में दर्शाया गया है, जो अपने पति कुंवर वीर सिंह के साथ लंदन में चली जाती है। वह एक खुशहाल जोड़े के तौर पर है, जब वह वीर को एक दिन एक छोटी सी बीमारी के तौर पर देखती है। जल्द ही यह बीमारी एक बड़ी बीमारी के तौर पर बदल जाती है। उसके शरीर को सिकड़ना और सिर भी अब धीरे धीरे सिकड़ना शुरू होता है। वीर को अस्पताल भर्ती कर दिया जाता है और उसके लक्षण अभी भी बिगड़ते जा रहे हैं। उसका शरीर अस्वाभाविक रूप से सिकड़ना लगता है। वह अजीब भाषाओं में गुर्राता है। डॉक्टर ने इसे अपनी तरफ से पूरे प्रयास करके लाइलाज मानते हैं। 1920 लंदन को आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा तो मिली, लेकिन खासतौर पर नकारात्मक भी शामिल थी। कोई मोई ने इस फिल्म को 5 में से 1.5 सितारे दिए और लिखा, हम कहाँ से शुरू करें, एक आलसी लेखन, खराब निर्देशन और उससे भी ज़्यादा अविश्वसनीय अभिनय। द टाइम्स ऑफ इंडिया की मोहन बसु ने फिल्म को 5 में से 1 सितारा दिया और कहा, 1920 श्रृंखला तीसरी किश्त में अभिनव की सोच कोई आभास है। इसके बारे में सबसे अच्छी बात यही कही जा सकती है कि साल की सबसे मज़ेदार फिल्मों में से एक रहेगी। बॉलीवुड लाइफ की सम्यता ने भी फिल्म को 5 में से सिर्फ 1.5 सितारे दी और लिखा, जब फिल्म इंटरवल के बाद एक अच्छा ट्विस्ट था, यह आश्चर्य की बात नहीं है। जेंडर रिजर्वल को छोड़ दिया जाए तो उनकी पत्नी यहाँ पति को बचा रही है। प्लॉट कहना की आवश्यकता नहीं है। 1920 की पहली फिल्म के समान यह भी है। 1920 की श्रृंखला में नवीनतम प्रविष्ट बड़े समय को निराश करने है। शर्मन जोशी एकमात्र बचत अनुग्रह है। फिल्म को केवल तभी देखें जब आपके पास करने के लिए कुछ और न हो, वरना टाइम पास के लिए यह आपके मन को नहीं भाएगी। ड्यूब्स न्यूज़ की मंजूषा ने इस फिल्म को सिर्फ 1.5 सितारे दिए और लिखा, विक्रम भट्ट ने बॉलीवुड की प्रेम कहानियों में प्रचलित हर क्विच को समाप्त कर दिया है। सौरभ्य स्थान आपको उभार वो कोई देंगे। जब पहले कुछ दृश्य जिसमें बुरी आत्मा अपना रोष प्रकट करती है चौंकाने वाला या फिर थकाने वाला यह फिल्म है। 1920 फिल्म के संगीत शारिब तोशी और जया मेहर के द्वारा लिखे थे। पहला गाना गुमनाम है कोई, जो कि 1965 की फिल्म गुमनाम के मूल शीर्षक का एक बार फिर से पुनर्निर्मित संस्करण है। 9 अप्रैल 2016 को इसे जारी किया गया था। सारेगामापा जो इसके निर्माता माने जाते हैं, अपने बैनर के तहत सारेगामापा ने इसे जारी किया गया था। पूर्ण एल्बम को 21 अप्रैल 2016 को अच्छी समीक्षकों के लिए भी प्रदर्शित किया गया। पहला गाना गुमनाम है कोई लंबाई इसकी 4 मिनट और 25 सेकंड के आसपास थी। आज मैं आपको 1920 लंदन मूवी की कहानी, फिल्म के दिलचस्प फैक्ट और फिल्म से जुड़ी अनसुने किस्से बताऊंगा। 1920 लंदन यह फिल्म की कहानी राजस्थान के सीकर में एक शाही घराने की राजकुमारी शिवांगी के साथ शुरू होती है। शिवांगी के जीवन को इस फिल्म में दर्शाया गया है, जो अपने पति कुंवर वीर सिंह के साथ लंदन में चली जाती है। वह एक खुशहाल जोड़े के तौर पर है, जब वह वीर को एक दिन एक छोटी सी बीमारी के तौर पर देखती है। जल्द ही यह बीमारी एक बड़ी बीमारी के तौर पर बदल जाती है। उसके शरीर को सिकड़ना और सिर भी अब धीरे धीरे सिकड़ना शुरू होता है। वीर को अस्पताल भर्ती कर दिया जाता है और उसके लक्षण अभी भी बिगड़ते जा रहे हैं। उसका शरीर अस्वाभाविक रूप से सिकड़ना लगता है। वह अजीब भाषाओं में गुर्राता है। डॉक्टर ने इसे अपनी तरफ से पूरे प्रयास करके लाइलाज मानते हैं। 1920 लंदन को आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा तो मिली, लेकिन खासतौर पर नकारात्मक भी शामिल थी। कोई मोई ने इस फिल्म को 5 में से 1.5 सितारे दिए और लिखा, हम कहाँ से शुरू करें, एक आलसी लेखन, खराब निर्देशन और उससे भी ज़्यादा अविश्वसनीय अभिनय। द टाइम्स ऑफ इंडिया की मोहन बसु ने फिल्म को 5 में से 1 सितारा दिया और कहा, 1920 श्रृंखला तीसरी किश्त में अभिनव की सोच कोई आभास है। इसके बारे में सबसे अच्छी बात यही कही जा सकती है कि साल की सबसे मज़ेदार फिल्मों में से एक रहेगी। बॉलीवुड लाइफ की सम्यता ने भी फिल्म को 5 में से सिर्फ 1.5 सितारे दी और लिखा, जब फिल्म इंटरवल के बाद एक अच्छा ट्विस्ट था, यह आश्चर्य की बात नहीं है। जेंडर रिजर्वल को छोड़ दिया जाए तो उनकी पत्नी यहाँ पति को बचा रही है। प्लॉट कहना
की आवश्यकता नहीं है। 1920 की पहली फिल्म के समान यह भी है। 1920 की श्रृंखला में नवीनतम प्रविष्ट बड़े समय को निराश करने है। शर्मन जोशी एकमात्र बचत अनुग्रह है। फिल्म को केवल तभी देखें जब आपके पास करने के लिए कुछ और न हो, वरना टाइम पास के लिए यह आपके मन को नहीं भाएगी। ड्यूप्स न्यूज़ की मंजूषा ने इस फिल्म को सिर्फ 1.5 सितारे दिए और लिखा, विक्रम भट्ट ने बॉलीवुड की प्रेम कहानियों में प्रचलित हर क्विच को समाप्त कर दिया है। सौरभ्य स्थान आपको उभार वो कोई देंगे। जब पहले कुछ दृश्य जिसमें बुरी आत्मा अपना रोष प्रकट करती है चौंकाने वाला या फिर थकाने वाला यह फिल्म है। 1920 फिल्म के संगीत शारिब तोशी और जामेर के द्वारा लिखे थे। पहला गाना गुमनाम है कोई, जो कि 1965 की फिल्म गुमनाम के मूल शीर्षक का एक बार फिर से पुनर्निर्मित संस्करण है। 9 अप्रैल 2016 को इसे जारी किया गया था। सारेगामापा जो इसके निर्माता माने जाते हैं, अपने बैनर के तहत सारेगामापा ने इसे जारी किया गया था। पूर्ण एल्बम को 21 अप्रैल 2016 को अच्छी समीक्षकाओं के लिए भी प्रदर्शित किया गया। पहला गाना गुमनाम है कोई लंबाई इसकी 4 मिनट और 25 सेकंड के आसपास थी। आज मैं आपको 1920 लंदन मूवी की कहानी, फिल्म के दिलचस्प फैक्ट और फिल्म से जुड़ी अनसुने किस्से बताऊंगा। 1920 लंदन यह फिल्म की कहानी राजस्थान के सीकर में एक शाही घराने की राजकुमारी शिवांगी के साथ शुरू होती है। शिवांगी के जीवन को इस फिल्म में दर्शाया गया है, जो अपने पति कुंवर वीर सिंह के साथ लंदन में चली जाती है। वह एक खुशहाल जोड़े के तौर पर है जब वह वीर को एक दिन एक छोटी सी बीमारी के तौर पर देखती है। जल्द ही यह बीमारी एक बड़ी बीमारी के तौर पर बदल जाती है। उसके शरीर को सिकड़ना और सिर भी अब धीरे धीरे सिकड़ना शुरू होता है। वीर को अस्पताल भर्ती कर दिया जाता है और उसके लक्षण अभी भी बिगड़ते जा रहे हैं। उसका शरीर अस्वाभाविक रूप से सिकड़ने लगता है। वह अजीब भाषाओं में गुर्राता है। डॉक्टर ने इसे अपनी तरफ से पूरे प्रयास करके लाइलाज मानते हैं। 1920 लंदन को आलोचनाओं से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा तो मिली, लेकिन खासतौर पर नकारात्मक भी शामिल थी। कोई मोई ने इस फिल्म को 5 में से 1.5 सितारे दिए और लिखा, हम कहाँ से शुरू करें, एक आलसी लेखन, खराब निर्देशन और उससे भी ज़्यादा अविश्वसनीय अभिनय। द टाइम्स ऑफ इंडिया की मोहन बसु ने फिल्म को 5 में से 1 सितारा दिया और कहा, 1920 श्रृंखला तीसरी किश्त में अभी नव की सोच कोई आभास है। इसके बारे में सबसे अच्छी बात यही कही जा सकती है कि साल की सबसे मज़ेदार फिल्मों में से एक रहेगी। बॉलीवुड लाइफ की सम्यता ने भी फिल्म को 5 में से सिर्फ 1.5 सितारे दी और लिखा, जब फिल्म इंटरवल के बाद एक अच्छा ट्विस्ट था, यह आश्चर्य की बात नहीं है। जेंडर रिजर्वल सल को छोड़ दिया जाए तो उनकी पत्नी यहाँ पति को बचा रही है। प्लॉट कहना की आवश्यकता नहीं है। 1920 की पहली फिल्म के समान यह भी है। 1920 की श्रृंखला में नवीनतम प्रविष्ट बड़े समय को निराश करने है। शर्मन जोशी एकमात्र बचत अनुग्रह है। फिल्म को केवल तभी देखें जब आपके पास करने के लिए कुछ और न हो, वरना टाइम पास के लिए यह आपके मन को नहीं भाएगी। ड्यूप्स न्यूज़ की मंजूषा ने इस फिल्म को सिर्फ 1.5 सितारे दिए और लिखा, विक्रम भट्ट ने बॉलीवुड की प्रेम कहानियों में प्रचलित हर क्विच को समाप्त कर दिया है। सौरभ्य स्थान आपको उभार वो कोई देंगे। जब पहले कुछ दृश्य जिसमें बुरी आत्मा अपना रोष प्रकट करती है चौंकाने वाला या फिर थकाने वाला यह फिल्म है। 1920 फिल्म के संगीत शारिब तोशी और जामेर के द्वारा लिखे थे। पहला गाना गुमनाम है कोई, जो कि 1965 की फिल्म गुमनाम के मूल शीर्षक का एक बार फिर से पुनर्निर्मित संस्करण है। 9 अप्रैल 2016 को इसे जारी किया गया था। सारेगामापा जो इसके निर्माता माने जाते हैं, अपने बैनर के तहत सारेगामापा ने इसे जारी किया गया था। पूर्ण एल्बम को 21 अप्रैल 2016 को अच्छी समीक्षकाओं के लिए भी प्रदर्शित किया गया। पहला गाना गुमनाम है कोई लंबाई इसकी 4 मिनट और 25 सेकंड के आसपास थी। आज मैं आपको 1920 लंदन मूवी की कहानी, फिल्म के दिलचस्प फैक्ट और फिल्म से जुड़ी अनसुने किस्से बताऊंगा। 1920 लंदन यह फिल्म की कहानी राजस्थान के सीकर में एक शाही घराने की राजकुमारी शिवांगी के साथ शुरू होती है। शिवांगी के जीवन को इस फिल्म में दर्शाया गया है, जो अपने पति कुंवर वीर सिंह के साथ लंदन में चली जाती है। वह एक खुशहाल जोड़े के तौर पर है जब वह वीर को एक दिन एक छोटी सी बीमारी के तौर पर देखती है।
जल्द ही यह बीमारी एक बड़ी बीमारी के तौर पर बदल जाती है। उसके शरीर को सिकड़ना और सिर भी अब धीरे धीरे सिकड़ना शुरू होता है। वीर को अस्पताल भर्ती कर दिया जाता है और उसके लक्षण अभी भी बिगड़ते जा रहे हैं। उसका शरीर अस्वाभाविक रूप से सिकड़ने लगता है। वह अजीब भाषाओं में गुर्राता है। डॉक्टर ने इसे अपनी तरफ से पूरे प्रयास करके लाइलाज मानते हैं। 1920 लंदन को आलोचनाओं से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा तो मिली, लेकिन खासतौर पर नकारात्मक भी शामिल थी। कोइमोई ने इस फिल्म को 5 में से 1.5 सितारे दिए और लिखा, हम कहाँ से शुरू करें, एक आलसी लेखन, खराब निर्देशन और उससे भी ज़्यादा अविश्वसनीय अभिनय। द टाइम्स ऑफ इंडिया के मोहन बसु ने फिल्म को 5 में से 1 सितारा दिया और कहा, 1920 श्रृंखला तीसरी किस्त में अभिनव की सोच कोई आभास है। इसके बारे में सबसे अच्छी बात यही कही जा सकती है कि साल की सबसे मज़ेदार फिल्मों में से एक रहेगी। बॉलीवुड लाइफ की सम्यता ने भी फिल्म को 5 में से सिर्फ 1.5 सितारे दी और लिखा, जब फिल्म इंटरवल के बाद एक अच्छा ट्विस्ट था, यह आश्चर्य की बात नहीं है। जेंडर रिजर्वल सल को छोड़ दिया जाए तो उनकी पत्नी यहाँ पति को बचा रही है। प्लॉट कहना की आवश्यकता नहीं है। 1920 की पहली फिल्म के समान यह भी है। 1920 की श्रृंखला में नवीनतम प्रविष्ट बड़े समय को निराश करने है। शर्मन जोशी एकमात्र बचत अनुग्रह है। फिल्म को केवल तभी देखें जब आपके पास करने के लिए कुछ और न हो, वरना टाइम पास के लिए यह आपके मन को नहीं भाएगी। ड्यूब्स न्यूज़ की मंजूषा ने इस फिल्म को 1.5 सितारे दिए और लिखा, विक्रम भट्ट ने बॉलीवुड की प्रेम कहानियों में प्रचलित हर क्विच को समाप्त कर दिया है। सौरभ्य स्थान आपको उभार वो कोई देंगे। जब पहले कुछ दृश्य जिसमें बुरी आत्मा अपना रोष प्रकट करती है चौंकाने वाला या फिर थकाने वाला यह फिल्म है। 1920 फिल्म के संगीत शारिब तोशी और जामेट के द्वारा लिखे थे। पहला गाना गुमनाम है कोई, जो कि 1965 की फिल्म गुमनाम के मूल शीर्षक का एक बार फिर से पुनर्निर्मित संस्करण है। 9 अप्रैल 2016 को इसे जारी किया गया था। सारेगामापा जो इसके निर्माता माने जाते हैं, अपने बैनर के तहत सारेगामापा ने इसे जारी किया गया था। पूर्ण एल्बम को 21 अप्रैल 2016 को अच्छी समीक्षकाओं के लिए भी प्रदर्शित किया गया। पहला गाना गुमनाम है कोई लंबाई इसकी 4 मिनट और 25 सेकंड के आसपास थी। आज मैं आपको 1920 लंदन मूवी की कहानी, फिल्म के दिलचस्प फैक्ट और फिल्म से जुड़ी अनसुने किस्से बताऊंगा। 1920 लंदन, यह फिल्म की कहानी राजस्थान के सीकर में एक शाही घराने की राजकुमारी शिवांगी के साथ शुरू होती है। शिवांगी के जीवन को इस फिल्म में दर्शाया गया है, जो अपने पति कुंवर वीर सिंह के साथ लंदन में चली जाती है। वह एक खुशहाल जोड़े के तौर पर है, जब वह वीर को एक दिन एक छोटी सी बीमारी के तौर पर देखती है। जल्द ही यह बीमारी एक बड़ी बीमारी के तौर पर बदल जाती है। उसके शरीर को सिकड़ना और सिर भी अब धीरे धीरे सिकड़ना शुरू होता है। वीर को अस्पताल भर्ती कर दिया जाता है और उसके लक्षण अभी भी बिगड़ते जा रहे हैं। उसका शरीर अस्वाभाविक रूप से सिकड़ने लगता है। वह अजीब भाषाओं में गुर्राता है। डॉक्टर ने इसे अपनी तरफ से पूरे प्रयास करके लाइलाज मानते हैं। 1920 लंदन को आलोचनाओं से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा तो मिली, लेकिन खासतौर पर नकारात्मक भी शामिल थी। कोइमोई ने इस फिल्म को 5 में से 1.5 सितारे दिए और लिखा, हम कहाँ से शुरू करें, एक आलसी लेखन, खराब निर्देशन और उससे भी ज़्यादा अविश्वसनीय अभिनय। द टाइम्स ऑफ इंडिया के मोहन बसु ने फिल्म को 5 में से 1 सितारा दिया और कहा, 1920 श्रृंखला तीसरी किस्त में अभिनव की सोच कोई आभास है। इसके बारे में सबसे अच्छी बात यही कही जा सकती है कि साल की सबसे मज़ेदार फिल्मों में से एक रहेगी। बॉलीवुड लाइफ की सम्यता ने भी फिल्म को 5 में से सिर्फ 1.5 सितारे दी और लिखा, जब फिल्म इंटरवल के बाद एक अच्छा ट्विस्ट था, यह आश्चर्य की बात नहीं है। जेंडर रिजर्वल सल को छोड़ दिया जाए तो उनकी पत्नी यहाँ पति को बचा रही है। प्लॉट कहना की आवश्यकता नहीं है। 1920 की पहली फिल्म के समान यह भी है। 1920 की श्रृंखला में नवीनतम प्रविष्ट बड़े समय को निराश करने है। शर्मन जोशी एकमात्र बचत अनुग्रह है। फिल्म को केवल तभी देखें जब आपके पास करने के लिए कुछ और न हो, वरना टाइम पास के लिए यह आपके मन को नहीं भाएगी। ड्यूब्स न्यूज़ की मंजूषा ने इस फिल्म को 1.5 सितारे दिए और लिखा, विक्रम भट्ट ने बॉलीवुड की प्रेम कहानियों में प्रचलित हर क्विच को समाप्त कर दिया है। सौरभ्य स्थान आपको उभार
कोई देंगे। जब पहले कुछ दृश्य जिसमें बुरी आत्मा अपना रोष प्रकट करती है चौंकाने वाला या फिर थकाने वाला यह फिल्म है। 1920 फिल्म के संगीत शारिब तोशी और जया मेहर के द्वारा लिखे थे। पहला गाना गुमनाम है कोई, जो कि 1965 की फिल्म गुमनाम के मूल शीर्षक का एक बार फिर से पुनर्निर्मित संस्करण है। 9 अप्रैल 2016 को इसे जारी किया गया था। सारेगामापा जो इसके निर्माता माने जाते हैं अपने बैनर के तहत सारेगामापा ने इसे जारी किया गया था। पूर्ण एल्बम को 21 अप्रैल 2016 को अच्छी समीक्षकाओं के लिए भी प्रदर्शित किया गया। पहला गाना गुमनाम है कोई लंबाई इसकी 4 मिनट और 25 सेकंड के आसपास थी। आज मैं आपको 1920 लंदन मूवी की कहानी, फिल्म के दिलचस्प फैक्ट और फिल्म से जुड़ी अनसुने किस्से बताऊंगा। 1920 लंदन यह फिल्म की कहानी राजस्थान के सीकर में एक शाही घराने की राजकुमारी शिवांगी के साथ शुरू होती है। शिवांगी के जीवन को इस फिल्म में दर्शाया गया है, जो अपने पति कुंवर वीर सिंह के साथ लंदन में चली जाती है। वह एक खुशहाल जोड़े के तौर पर है जब वह वीर को एक दिन एक छोटी सी बीमारी के तौर पर देखती है। जल्द ही यह बीमारी एक बड़ी बीमारी के तौर पर बदल जाती है। उसके शरीर को सिकड़ना और सिर भी अब धीरे धीरे सिकड़ना शुरू होता है। वीर को अस्पताल भर्ती कर दिया जाता है और उसके लक्षण अभी भी बिगड़ते जा रहे हैं। उसका शरीर अस्वाभाविक रूप से सिकड़ने लगता है। वह अजीब भाषाओं में गुर्राता है। डॉक्टर ने इसे अपनी तरफ से पूरे प्रयास करके लाइलाज मानते हैं। 1920 लंदन को आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा तो मिली, लेकिन खासतौर पर नकारात्मक भी शामिल थी। कोई मोई ने इस फिल्म को 5 में से 1.5 सितारे दिए और लिखा, हम कहाँ से शुरू करें, एक आलसी लेखन, खराब निर्देशन और उससे भी ज़्यादा अविश्वसनीय अभिनय। द टाइम्स ऑफ इंडिया की मोहन बसु ने फिल्म को 5 में से 1 सितारा दिया और कहा, 1920 श्रृंखला तीसरी किस्त में अभिनव की सोच कोई आभास है। इसके बारे में सबसे अच्छी बात यही कही जा सकती है कि साल की सबसे मज़ेदार फिल्मों में से एक रहेगी। बॉलीवुड लाइफ की सम्यता ने भी फिल्म को 5 में से सिर्फ 1.5 सितारे दी और लिखा, जब फिल्म इंटरवल के बाद एक अच्छा ट्विस्ट था, यह आश्चर्य की बात नहीं है। जेंडर रिजर्वल को छोड़ दिया जाए तो उनकी पत्नी यहाँ पति को बचा रही है। प्लॉट कहना की आवश्यकता नहीं है। 1920 की पहली फिल्म के सामान यह भी है। 1920 की श्रृंखला में नवीनतम प्रविष्ट बड़े समय को निराश करने है। शर्मन जोशी एकमात्र बचत अनुग्रह है। फिल्म को केवल तभी देखें जब आपके पास करने के लिए कुछ और न हो, वरना टाइम पास के लिए यह आपके मन को नहीं भाएगी। ड्यूब्स न्यूज़ की मंजूषा ने इस फिल्म को सिर्फ 1.5 सितारे दिए और लिखा, विक्रम भट्ट ने बॉलीवुड की प्रेम कहानियों में प्रचलित हर क्विच को समाप्त कर दिया है। सौरभ्य स्थान आपको उभार वो कोई देंगे। जब पहले कुछ दृश्य जिसमें बुरी आत्मा अपना रोष प्रकट करती है चौंकाने वाला या फिर थकाने वाला यह फिल्म है। 1920 फिल्म के संगीत शारिब तोशी और जया मेहर के द्वारा लिखे थे। पहला गाना गुमनाम है कोई, जो कि 1965 की फिल्म गुमनाम के मूल शीर्षक का एक बार फिर से पुनर्निर्मित संस्करण है। 9 अप्रैल 2016 को इसे जारी किया गया था। सारेगामापा जो इसके निर्माता माने जाते हैं अपने बैनर के तहत सारेगामापा ने इसे जारी किया गया था। पूर्ण एल्बम को 21 अप्रैल 2016 को अच्छी समीक्षकाओं के लिए भी प्रदर्शित किया गया। पहला गाना गुमनाम है कोई लंबाई इसकी 4 मिनट और 25 सेकंड के आसपास थी। आज मैं आपको 1920 लंदन मूवी की कहानी, फिल्म के दिलचस्प फैक्ट और फिल्म से जुड़ी अनसुने किस्से बताऊंगा। 1920 लंदन यह फिल्म की कहानी राजस्थान के सीकर में एक शाही घराने की राजकुमारी शिवांगी के साथ शुरू होती है। शिवांगी के जीवन को इस फिल्म में दर्शाया गया है, जो अपने पति कुंवर वीर सिंह के साथ लंदन में चली जाती है। वह एक खुशहाल जोड़े के तौर पर है जब वह वीर को एक दिन एक छोटी सी बीमारी के तौर पर देखती है। जल्द ही यह बीमारी एक बड़ी बीमारी के तौर पर बदल जाती है। उसके शरीर को सिकड़ना और सिर भी अब धीरे धीरे सिकड़ना शुरू होता है। वीर को अस्पताल भर्ती कर दिया जाता है और उसके लक्षण अभी भी बिगड़ते जा रहे हैं। उसका शरीर अस्वाभाविक रूप से सिकड़ने लगता है। वह अजीब भाषाओं में गुर्राता है। डॉक्टर ने इसे अपनी तरफ से पूरे प्रयास करके लाइलाज मानते हैं। 1920 लंदन को आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक
समीक्षका तो मिली लेकिन खास तौर पर नकारात्मक भी शामिल थी। कोइमोई ने इस फिल्म को 5 में से 1.5 सितारे दिए और लिखा, हम कहाँ से शुरू करें, एक आलसी लेखन, खराब निर्देशन और उससे भी ज़्यादा अविश्वसनीय अभिनय। द टाइम्स ऑफ इंडिया के मोहन बसु ने फिल्म को 5 में से 1 सितारा दिया और कहा, 1920 श्रृंखला तीसरी किस्त में अभिनव की सोच कोई आभास है। इसके बारे में सबसे अच्छी बात यही कही जा सकती है कि साल की सबसे मज़ेदार फिल्मों में से एक रहेगी। बॉलीवुड लाइफ की सम्यता ने भी फिल्म को 5 में से सिर्फ 1.5 सितारे दी और लिखा, जब फिल्म इंटरवल के बाद एक अच्छा ट्विस्ट था, यह आश्चर्य की बात नहीं है। जेंडर रिजर्वल को छोड़ दिया जाए तो उनकी पत्नी यहाँ पति को बचा रही है, प्लॉट कहना की आवश्यकता नहीं है। 1920 की पहली फिल्म के समान यह भी है। 1920 की श्रृंखला में नवीनतम प्रविष्ट बड़े समय को निराश करने है। शर्मन जोशी एकमात्र बचत अनुग्रह है। फिल्म को केवल तभी देखें जब आपके पास करने के लिए कुछ और न हो, वरना टाइम पास के लिए यह आपके मन को नहीं भाएगी। ड्यूब्स न्यूज़ की मंजूषा ने इस फिल्म को 1.5 सितारे दिए और लिखा, विक्रम भट्ट ने बॉलीवुड की प्रेम कहानियों में प्रचलित हर क्विच को समाप्त कर दिया है। सौरभ्य स्थान आपको उभार वो कोई देंगे। जब पहले कुछ दृश्य जिसमें बुरी आत्मा अपना रोष प्रकट करती है चौंकाने वाला या फिर थकाने वाला यह फिल्म है। 1920 फिल्म के संगीत शारिब तोशी और जामेट के द्वारा लिखे थे। पहला गाना गुमनाम है कोई, जो कि 1965 की फिल्म गुमनाम के मूल शीर्षक का एक बार फिर से पुनर्निर्मित संस्करण है। 9 अप्रैल 2016 को इसे जारी किया गया था। सारेगामापा जो इसके निर्माता माने जाते हैं, अपने बैनर के तहत सारेगामापा ने इसे जारी किया गया था। पूर्ण एल्बम को 21 अप्रैल 2016 को अच्छी समीक्षकाओं के लिए भी प्रदर्शित किया गया। पहला गाना गुमनाम है कोई लंबाई इसकी 4 मिनट और 25 सेकंड के आसपास थी। आज मैं आपको 1920 लंदन मूवी की कहानी, फिल्म के दिलचस्प फैक्ट और फिल्म से जुड़ी अनसुने किस्से बताऊंगा। 1920 लंदन यह फिल्म की कहानी राजस्थान के सीकर में एक शाही घराने की राजकुमारी शिवांगी के साथ शुरू होती है। शिवांगी के जीवन को इस फिल्म में दर्शाया गया है, जो अपने पति कुंवर वीर सिंह के साथ लंदन में चली जाती है। वह एक खुशहाल जोड़े के तौर पर है जब वह वीर को एक दिन एक छोटी सी बीमारी के तौर पर देखती है। जल्द ही यह बीमारी एक बड़ी बीमारी के तौर पर बदल जाती है। उसके शरीर को सिकड़ना और सिर भी अब धीरे धीरे सिकड़ना शुरू होता है। वीर को अस्पताल भर्ती कर दिया जाता है और उसके लक्षण अभी भी बिगड़ते जा रहे हैं। उसका शरीर अस्वाभाविक रूप से सिकड़ने लगता है। वह अजीब भाषाओं में गुर्राता है। डॉक्टर ने इसे अपनी तरफ से पूरे प्रयास करके लाइलाज मानते हैं। 1920 लंदन को आलोचनाओं से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षका तो मिली लेकिन खास तौर पर नकारात्मक भी शामिल थी। कोइमोई ने इस फिल्म को 5 में से 1.5 सितारे दिए और लिखा, हम कहाँ से शुरू करें, एक आलसी लेखन, खराब निर्देशन और उससे भी ज़्यादा अविश्वसनीय अभिनय। द टाइम्स ऑफ इंडिया के मोहन बसु ने फिल्म को 5 में से 1 सितारा दिया और कहा, 1920 श्रृंखला तीसरी किस्त में अभिनव की सोच कोई आभास है। इसके बारे में सबसे अच्छी बात यही कही जा सकती है कि साल की सबसे मज़ेदार फिल्मों में से एक रहेगी। बॉलीवुड लाइफ की सम्यता ने भी फिल्म को 5 में से सिर्फ 1.5 सितारे दी और लिखा, जब फिल्म इंटरवल के बाद एक अच्छा ट्विस्ट था, यह आश्चर्य की बात नहीं है। जेंडर रिजर्वल को छोड़ दिया जाए तो उनकी पत्नी यहाँ पति को बचा रही है, प्लॉट कहना की आवश्यकता नहीं है। 1920 की पहली फिल्म के समान यह भी है। 1920 की श्रृंखला में नवीनतम प्रविष्ट बड़े समय को निराश करने है। शर्मन जोशी एकमात्र बचत अनुग्रह है। फिल्म को केवल तभी देखें जब आपके पास करने के लिए कुछ और न हो, वरना टाइम पास के लिए यह आपके मन को नहीं भाएगी। ड्यूब्स न्यूज़ की मंजूषा ने इस फिल्म को 1.5 सितारे दिए और लिखा, विक्रम भट्ट ने बॉलीवुड की प्रेम कहानियों में प्रचलित हर क्विच को समाप्त कर दिया है। सौरभ्य स्थान आपको उभार वो कोई देंगे। जब पहले कुछ दृश्य जिसमें बुरी आत्मा अपना रोष प्रकट करती है चौंकाने वाला या फिर थकाने वाला यह फिल्म है। 1920 फिल्म के संगीत शारिब तोशी और जामेट के द्वारा लिखे थे। पहला गाना गुमनाम है कोई, जो कि 1965 की फिल्म गुमनाम के मूल शीर्षक का एक बार फिर से पुनर्निर्मित संस्करण है। 9 अप्रैल 2016 को इसे जारी किया गया था। सारेगामापा जो इसके
निर्माता माने जाते हैं। अपने बैनर के तहत सारेगामापा ने इसे जारी किया गया था। पूर्ण एल्बम को 21 अप्रैल 2016 को अच्छी समीक्षकाओं के लिए भी प्रदर्शित किया गया। पहला गाना गुमनाम है, कोई लंबाई इसकी 4 मिनट और 25 सेकंड के आसपास थी। आज मैं आपको 1920 लंदन मूवी की कहानी, फिल्म के दिलचस्प फैक्ट और फिल्म से जुड़ी अनसुने किस्से बताऊंगा। 1920 लंदन, यह फिल्म की कहानी राजस्थान के सीकर में एक शाही घराने की राजकुमारी शिवांगी के साथ शुरू होती है। शिवांगी के जीवन को इस फिल्म में दर्शाया गया है, जो अपने पति कुंवर वीर सिंह के साथ लंदन में चली जाती है। वह एक खुशहाल जोड़े के तौर पर है, जब वह वीर को एक दिन एक छोटी सी बीमारी के तौर पर देखती है। जल्द ही यह बीमारी एक बड़ी बीमारी के तौर पर बदल जाती है। उसके शरीर को सिकड़ना और सिर भी अब धीरे धीरे सिकड़ना शुरू होता है। वीर को अस्पताल भर्ती कर दिया जाता है और उसके लक्षण अभी भी बिगड़ते जा रहे हैं। उसका शरीर अस्वाभाविक रूप से सिकड़ने लगता है। वह अजीब भाषाओं में गुर्राता है। डॉक्टर ने इसे अपनी तरफ से पूरे प्रयास करके लाइलाज मानते हैं। 1920 लंदन को आलोचनाओं से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा तो मिली, लेकिन खास तौर पर नकारात्मक भी शामिल थी। कोई मोई ने इस फिल्म को 5 में से 1.5 सितारे दिए और लिखा, हम कहाँ से शुरू करें, एक आलसी लेखन, खराब निर्देशन और उससे भी ज़्यादा अविश्वसनीय अभिनय। द टाइम्स ऑफ इंडिया के मोहन बसु ने फिल्म को 5 में से 1 सितारा दिया और कहा, 1920 श्रृंखला तीसरी किश्त में अभिनव की सोच कोई आभास है। इसके बारे में सबसे अच्छी बात यही कही जा सकती है कि साल की सबसे मज़ेदार फिल्मों में से एक रहेगी। बॉलीवुड लाइफ की सम्यता ने भी फिल्म को 5 में से सिर्फ 1.5 सितारे दी और लिखा, जब फिल्म इंटरवल के बाद एक अच्छा ट्विस्ट था, यह आश्चर्य की बात नहीं है। जेंडर रिजर्वल्सल को छोड़ दिया जाए तो उनकी पत्नी यहाँ पति को बचा रही है। प्लॉट कहना की आवश्यकता नहीं है, 1920 की पहली फिल्म के समान यह भी है। 1920 की श्रृंखला में नवीनतम प्रविष्ट बड़े समय को निराश करने है। शर्मन जोशी एकमात्र बचत अनुग्रह है। फिल्म को केवल तभी देखें जब आपके पास करने के लिए कुछ और न हो, वरना टाइम पास के लिए यह आपके मन को नहीं भाएगी। ड्यूब्स न्यूज़ की मंजूषा ने इस फिल्म को सिर्फ 1.5 सितारे दिए और लिखा, विक्रम भट्ट ने बॉलीवुड की प्रेम कहानियों में प्रचलित हर क्विच को समाप्त कर दिया है। सौरभ्य स्थान आपको उभार वो कोई देंगे। जब पहले कुछ दृश्य जिसमें बुरी आत्मा अपना रोष प्रकट करती है चौंकाने वाला या फिर थकाने वाला यह फिल्म है। 1920 फिल्म के संगीत शारिब तोशी और जामेट के द्वारा लिखे थे। पहला गाना गुमनाम है कोई, जो कि 1965 की फिल्म गुमनाम के मूल शीर्षक का एक बार फिर से पुनर्निर्मित संस्करण है। 9 अप्रैल 2016 को इसे जारी किया गया था। सारेगामापा जो इसके निर्माता माने जाते हैं, अपने बैनर के तहत सारेगामापा ने इसे जारी किया गया था। पूर्ण एल्बम को 21 अप्रैल 2016 को अच्छी समीक्षकाओं के लिए भी प्रदर्शित किया गया। पहला गाना गुमनाम है, कोई लंबाई इसकी 4 मिनट और 25 सेकंड के आसपास थी। आज मैं आपको 1920 लंदन मूवी की कहानी, फिल्म के दिलचस्प फैक्ट और फिल्म से जुड़ी अनसुने किस्से बताऊंगा। 1920 लंदन, यह फिल्म की कहानी राजस्थान के सीकर में एक शाही घराने की राजकुमारी शिवांगी के साथ शुरू होती है। शिवांगी के जीवन को इस फिल्म में दर्शाया गया है, जो अपने पति कुंवर वीर सिंह के साथ लंदन में चली जाती है। वह एक खुशहाल जोड़े के तौर पर है, जब वह वीर को एक दिन एक छोटी सी बीमारी के तौर पर देखती है। जल्द ही यह बीमारी एक बड़ी बीमारी के तौर पर बदल जाती है। उसके शरीर को सिकड़ना और सिर भी अब धीरे धीरे सिकड़ना शुरू होता है। वीर को अस्पताल भर्ती कर दिया जाता है और उसके लक्षण अभी भी बिगड़ते जा रहे हैं। उसका शरीर अस्वाभाविक रूप से सिकड़ने लगता है। वह अजीब भाषाओं में गुर्राता है। डॉक्टर ने इसे अपनी तरफ से पूरे प्रयास करके लाइलाज मानते हैं। 1920 लंदन को आलोचनाओं से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा तो मिली, लेकिन खास तौर पर नकारात्मक भी शामिल थी। कोई मोई ने इस फिल्म को 5 में से 1.5 सितारे दिए और लिखा, हम कहाँ से शुरू करें, एक आलसी लेखन, खराब निर्देशन और उससे भी ज़्यादा अविश्वसनीय अभिनय। द टाइम्स ऑफ इंडिया के मोहन बसु ने फिल्म को 5 में से 1 सितारा दिया और कहा, 1920 श्रृंखला तीसरी किश्त में अभिनव की सोच कोई आभास है। इसके बारे में सबसे अच्छी बात यही कही जा सकती है कि साल की सबसे मज़ेदार फिल्मों में से एक रहेगी। बॉलीवुड लाइफ की सम्यता ने भी फिल्म को
पांच में से सिर्फ 1.5 सितारे दी और लिखा, जब फिल्म इंटरवल के बाद एक अच्छा ट्विस्ट था, यह आश्चर्य की बात नहीं है। जेंडर रिजर्वल को छोड़ दिया जाए तो उनकी पत्नी यहाँ पति को बचा रही है, प्लॉट कहना की आवश्यकता नहीं है। 1920 की पहली फिल्म के समान यह भी है। 1920 की श्रृंखला में नवीनतम प्रविष्ट बड़े समय को निराश करने है। शर्मन जोशी एकमात्र बचत अनुग्रह है। फिल्म को केवल तभी देखें जब आपके पास करने के लिए कुछ और न हो, वरना टाइम पास के लिए यह आपके मन को नहीं भाएगी। ड्यूप्स न्यूज़ की मंजूषा ने इस फिल्म को सिर्फ 1.5 सितारे दिए और लिखा, विक्रम भट्ट ने बॉलीवुड की प्रेम कहानियों में प्रचलित हर क्विच को समाप्त कर दिया है। सौरभ्य स्थान आपको उपहार वो कोई देंगे। जब पहले कुछ दृश्य जिसमें बुरी आत्मा अपना रोष प्रकट करती है चौंकाने वाला या फिर थकाने वाला यह फिल्म है। 1920 फिल्म के संगीत शारिब तोशी और जया मेड के द्वारा लिखे थे। पहला गाना गुमनाम है कोई, जो कि 1965 की फिल्म गुमनाम के मूल शीर्षक का एक बार फिर से पुनर्निर्मित संस्करण है। 9 अप्रैल 2016 को इसे जारी किया गया था। सारेगामापा जो इसके निर्माता माने जाते हैं, अपने बैनर के तहत सारेगामापा ने इसे जारी किया गया था। पूर्ण एल्बम को 21 अप्रैल 2016 को अच्छी समीक्षकाओं के लिए भी प्रदर्शित किया गया। पहला गाना गुमनाम है कोई लंबाई इसकी 4 मिनट और 25 सेकंड के आसपास थी। आज मैं आपको 1920 लंदन मूवी की कहानी, फिल्म के दिलचस्प फैक्ट और फिल्म से जुड़ी अनसुने किस्से बताऊंगा। 1920 लंदन यह फिल्म की कहानी राजस्थान के सीकर में एक शाही घराने की राजकुमारी शिवांगी के साथ शुरू होती है। शिवांगी के जीवन को इस फिल्म में दर्शाया गया है, जो अपने पति कुंवर वीर सिंह के साथ लंदन में चली जाती है। वह एक खुशहाल जोड़े के तौर पर है, जब वह वीर को एक दिन एक छोटी सी बीमारी के तौर पर देखती है। जल्द ही यह बीमारी एक बड़ी बीमारी के तौर पर बदल जाती है। उसके शरीर को सिकड़ना और सिर भी अब धीरे धीरे सिकड़ना शुरू होता है। वीर को अस्पताल भर्ती कर दिया जाता है और उसके लक्षण अभी भी बिगड़ते जा रहे हैं। उसका शरीर अस्वाभाविक रूप से सिकड़ने लगता है। वह अजीब भाषाओं में गुर्राता है। डॉक्टर ने इसे अपनी तरफ से पूरे प्रयास करके लाइलाज मानते हैं। 1920 लंदन को आलोचनाओं से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा तो मिली, लेकिन खासतौर पर नकारात्मक भी शामिल थी। कोई मोई ने इस फिल्म को 5 में से 1.5 सितारे दिए और लिखा, हम कहाँ से शुरू करें, एक आलसी लेखन, खराब निर्देशन और उससे भी ज़्यादा अविश्वसनीय अभिनय। द टाइम्स ऑफ इंडिया के मोहन बसु ने फिल्म को 5 में से 1 सितारा दिया और कहा, 1920 श्रृंखला तीसरी किश्त में अभी नव की सोच कोई आभास है। इसके बारे में सबसे अच्छी बात यही कही जा सकती है कि साल की सबसे मज़ेदार फिल्मों में से एक रहेगी। बॉलीवुड लाइव की सम्यता ने भी फिल्म को 5 में से सिर्फ 1.5 सितारे दी और लिखा, जब फिल्म इंटरवल के बाद एक अच्छा ट्विस्ट था, यह आश्चर्य की बात नहीं है। जेंडर रिजर्वल को छोड़ दिया जाए तो उनकी पत्नी यहाँ पति को बचा रही है, प्लॉट कहना की आवश्यकता नहीं है। 1920 की पहली फिल्म के समान यह भी है। 1920 की श्रृंखला में नवीनतम प्रविष्ट बड़े समय को निराश करने है। शर्मन जोशी एकमात्र बचत अनुग्रह है। फिल्म को केवल तभी देखें जब आपके पास करने के लिए कुछ और न हो, वरना टाइम पास के लिए यह आपके मन को नहीं भाएगी। ड्यूप्स न्यूज़ की मंजूषा ने इस फिल्म को सिर्फ 1.5 सितारे दिए और लिखा, विक्रम भट्ट ने बॉलीवुड की प्रेम कहानियों में प्रचलित हर क्विच को समाप्त कर दिया है। सौरभ्य स्थान आपको उपहार वो कोई देंगे। जब पहले कुछ दृश्य जिसमें बुरी आत्मा अपना रोष प्रकट करती है चौंकाने वाला या फिर थकाने वाला यह फिल्म है। 1920 फिल्म के संगीत शारिब तोशी और जया मेड के द्वारा लिखे थे। पहला गाना गुमनाम है कोई, जो कि 1965 की फिल्म गुमनाम के मूल शीर्षक का एक बार फिर से पुनर्निर्मित संस्करण है। 9 अप्रैल 2016 को इसे जारी किया गया था। सारेगामापा जो इसके निर्माता माने जाते हैं, अपने बैनर के तहत सारेगामापा ने इसे जारी किया गया था। पूर्ण एल्बम को 21 अप्रैल 2016 को अच्छी समीक्षकाओं के लिए भी प्रदर्शित किया गया। पहला गाना गुमनाम है कोई लंबाई इसकी 4 मिनट और 25 सेकंड के आसपास थी। आज मैं आपको 1920 लंदन मूवी की कहानी, फिल्म के दिलचस्प फैक्ट और फिल्म से जुड़ी अनसुने किस्से बताऊंगा।
1920 लंदन, यह फिल्म की कहानी राजस्थान के सीकर में एक शाही घराने की राजकुमारी शिवांगी के साथ शुरू होती है। शिवांगी के जीवन को इस फिल्म में दर्शाया गया है, जो अपने पति कुंवर वीर सिंह के साथ लंदन में चली जाती है। वह एक खुशहाल जोड़े के तौर पर है, जब वह वीर को एक दिन एक छोटी सी बीमारी के तौर पर देखती है। जल्द ही यह बीमारी एक बड़ी बीमारी के तौर पर बदल जाती है। उसके शरीर को सिकड़ना और सिर भी अब धीरे धीरे सिकड़ना शुरू होता है। वीर को अस्पताल भर्ती कर दिया जाता है और उसके लक्षण अभी भी बिगड़ते जा रहे हैं। उसका शरीर अस्वाभाविक रूप से सिकड़ना लगता है। वह अजीब भाषाओं में गुर्राता है। डॉक्टर ने इसे अपनी तरफ से पूरे प्रयास करके लाइलाज मानते हैं। 1920 लंदन को आलोचनाओं से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा तो मिली, लेकिन खासतौर पर नकारात्मक भी शामिल थी। कोई मोई ने इस फिल्म को 5 में से 1.5 सितारे दिए और लिखा, हम कहाँ से शुरू करें, एक आलसी लेखन, खराब निर्देशन और उससे भी ज़्यादा अविश्वसनीय अभिनय। द टाइम्स ऑफ इंडिया के मोहन बसु ने फिल्म को 5 में से 1 सितारा दिया और कहा, 1920 श्रृंखला तीसरी किश्त में अभिनव की सोच कोई आभास है। इसके बारे में सबसे अच्छी बात यही कही जा सकती है कि साल की सबसे मज़ेदार फिल्मों में से एक रहेगी। बॉलीवुड लाइफ की सम्यता ने भी फिल्म को 5 में से सिर्फ 1.5 सितारे दी और लिखा, जब फिल्म इंटरवल के बाद एक अच्छा ट्विस्ट था, यह आश्चर्य की बात नहीं है। जेंडर रिजर्वल को छोड़ दिया जाए तो उनकी पत्नी यहाँ पति को बचा रही है, प्लॉट कहना की आवश्यकता नहीं है। 1920 की पहली फिल्म के समान यह भी है। 1920 की श्रृंखला में नवीनतम प्रविष्ट बड़े समय को निराश करने है। शर्मन जोशी एकमात्र बचत अनुग्रह है। फिल्म को केवल तभी देखें जब आपके पास करने के लिए कुछ और न हो, वरना टाइम पास के लिए यह आपके मन को नहीं भाएगी। ड्यूप्स न्यूज़ की मंजूषा ने इस फिल्म को 1.5 सितारे दिए और लिखा, विक्रम भट्ट ने बॉलीवुड की प्रेम कहानियों में प्रचलित हर क्विच को समाप्त कर दिया है। सौरभ्य स्थान आपको उभार वो कोई देंगे। जब पहले कुछ दृश्य जिसमें बुरी आत्मा अपना रोष प्रकट करती है चौंकाने वाला या फिर थकाने वाला यह फिल्म है। 1920 फिल्म के संगीत शारिब तोशी और जया मेट के द्वारा लिखे थे। पहला गाना गुमनाम है कोई, जो कि 1965 की फिल्म गुमनाम के मूल शीर्षक का एक बार फिर से पुनर्निर्मित संस्करण है। 9 अप्रैल 2016 को इसे जारी किया गया था। सारेगामापा जो इसके निर्माता माने जाते हैं, अपने बैनर के तहत सारेगामापा ने इसे जारी किया गया था। पूर्ण एल्बम को 21 अप्रैल 2016 को अच्छी समीक्षकाओं के लिए भी प्रदर्शित किया गया। पहला गाना गुमनाम है कोई लंबाई इसकी 4 मिनट और 25 सेकंड के आसपास थी। आज मैं आपको 1920 लंदन मूवी की कहानी, फिल्म के दिलचस्प फैक्ट और फिल्म से जुड़ी अनसुने किस्से बताऊंगा। 1920 लंदन, यह फिल्म की कहानी राजस्थान के सीकर में एक शाही घराने की राजकुमारी शिवांगी के साथ शुरू होती है। शिवांगी के जीवन को इस फिल्म में दर्शाया गया है, जो अपने पति कुंवर वीर सिंह के साथ लंदन में चली जाती है। वह एक खुशहाल जोड़े के तौर पर है, जब वह वीर को एक दिन एक छोटी सी बीमारी के तौर पर देखती है। जल्द ही यह बीमारी एक बड़ी बीमारी के तौर पर बदल जाती है। उसके शरीर को सिकड़ना और सिर भी अब धीरे धीरे सिकड़ना शुरू होता है। वीर को अस्पताल भर्ती कर दिया जाता है और उसके लक्षण अभी भी बिगड़ते जा रहे हैं। उसका शरीर अस्वाभाविक रूप से सिकड़ना लगता है। वह अजीब भाषाओं में गुर्राता है। डॉक्टर ने इसे अपनी तरफ से पूरे प्रयास करके लाइलाज मानते हैं। 1920 लंदन को आलोचनाओं से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा तो मिली, लेकिन खासतौर पर नकारात्मक भी शामिल थी। कोई मोई ने इस फिल्म को 5 में से 1.5 सितारे दिए और लिखा, हम कहाँ से शुरू करें, एक आलसी लेखन, खराब निर्देशन और उससे भी ज़्यादा अविश्वसनीय अभिनय। द टाइम्स ऑफ इंडिया के मोहन बसु ने फिल्म को 5 में से 1 सितारा दिया और कहा, 1920 श्रृंखला तीसरी किश्त में अभिनव की सोच कोई आभास है। इसके बारे में सबसे अच्छी बात यही कही जा सकती है कि साल की सबसे मज़ेदार फिल्मों में से एक रहेगी। बॉलीवुड लाइफ की सम्यता ने भी फिल्म को 5 में से सिर्फ 1.5 सितारे दी और लिखा, जब फिल्म इंटरवल के बाद एक अच्छा ट्विस्ट था, यह आश्चर्य की बात नहीं है। जेंडर रिजर्वल को छोड़ दिया जाए तो उनकी पत्नी यहाँ पति को बचा रही है, प्लॉट कहना की आवश्यकता नहीं है। 1920 की पहली फिल्म के समान यह भी है। 1920 की श्रृंखला में नवीनतम प्रविष्ट बड़े समय को निराश करने है।
शर्मन जोशी एकमात्र बचत अनुग्रह है। फिल्म को केवल तभी देखें जब आपके पास करने के लिए कुछ और ना हो, वरना टाइम पास के लिए यह आपके मन को नहीं भाएगी। ड्यूप्स न्यूज़ की मंजूषा ने इस फिल्म को सिर्फ 1.5 सितारे दिए और लिखा, विक्रम भट्ट ने बॉलीवुड की प्रेम कहानियों में प्रचलित हर क्विच को समाप्त कर दिया है। सौरभ्य स्थान आपको उपहार वो कोई देंगे। जब पहले कुछ दृश्य जिसमें बुरी आत्मा अपना रोष प्रकट करती है चौंकाने वाला या फिर थकाने वाला यह फिल्म है। 1920 फिल्म के संगीत शारिब तोशी और जया मेहर के द्वारा लिखे थे। पहला गाना गुमनाम है कोई, जो कि 1965 की फिल्म गुमनाम के मूल शीर्षक का एक बार फिर से पुनर्निर्मित संस्करण है। 9 अप्रैल 2016 को इसे जारी किया गया था। सारेगामापा जो इसके निर्माता माने जाते हैं, अपने बैनर के तहत सारेगामापा ने इसे जारी किया गया था। पूर्ण एल्बम को 21 अप्रैल 2016 को अच्छी समीक्षकाओं के लिए भी प्रदर्शित किया गया। पहला गाना गुमनाम है कोई लंबाई इसकी 4 मिनट और 25 सेकंड के आसपास थी। आज मैं आपको 1920 लंदन मूवी की कहानी, फिल्म के दिलचस्प फैक्ट और फिल्म से जुड़ी अनसुने किस्से बताऊंगा। 1920 लंदन यह फिल्म की कहानी राजस्थान के सीकर में एक शाही घराने की राजकुमारी शिवांगी के साथ शुरू होती है। शिवांगी के जीवन को इस फिल्म में दर्शाया गया है, जो अपने पति कुंवर वीर सिंह के साथ लंदन में चली जाती है। वह एक खुशहाल जोड़े के तौर पर है जब वह वीर को एक दिन एक छोटी सी बीमारी के तौर पर देखती है। जल्द ही यह बीमारी एक बड़ी बीमारी के तौर पर बदल जाती है। उसके शरीर को सिकड़ना और सिर भी अब धीरे धीरे सिकड़ना शुरू होता है। वीर को अस्पताल भर्ती कर दिया जाता है और उसके लक्षण अभी भी बिगड़ते जा रहे हैं। उसका शरीर अस्वाभाविक रूप से सिकड़ने लगता है। वह अजीब भाषाओं में गुर्राता है। डॉक्टर ने इसे अपनी तरफ से पूरे प्रयास करके लाइलाज मानते हैं। 1920 लंदन को आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा तो मिली, लेकिन खासतौर पर नकारात्मक भी शामिल थी। कोई मोई ने इस फिल्म को 5 में से 1.5 सितारे दिए और लिखा, हम कहाँ से शुरू करें, एक आलसी लेखन, खराब निर्देशन और उससे भी ज़्यादा अविश्वसनीय अभिनय। द टाइम्स ऑफ इंडिया के मोहन बसु ने फिल्म को 5 में से 1 सितारा दिया और कहा, 1920 श्रृंखला तीसरी किस्त में अभी नव की सोच कोई आभास है। इसके बारे में सबसे अच्छी बात यही कही जा सकती है कि साल की सबसे मज़ेदार फिल्मों में से एक रहेगी। बॉलीवुड लाइव की सम्यता ने भी फिल्म को 5 में से सिर्फ 1.5 सितारे दी और लिखा, जब फिल्म इंटरवल के बाद एक अच्छा ट्विस्ट था, यह आश्चर्य की बात नहीं है। जेंडर रिजर्वल को छोड़ दिया जाए तो उनकी पत्नी यहाँ पति को बचा रही है। प्लॉट कहना की आवश्यकता नहीं है। 1920 की पहली फिल्म के सामान यह भी है। 1920 की श्रृंखला में नवीनतम प्रविष्ट बड़े समय को निराश करने है। शर्मन जोशी एकमात्र बचत अनुग्रह है। फिल्म को केवल तभी देखें जब आपके पास करने के लिए कुछ और ना हो, वरना टाइम पास के लिए यह आपके मन को नहीं भाएगी। ड्यूप्स न्यूज़ की मंजूषा ने इस फिल्म को सिर्फ 1.5 सितारे दिए और लिखा, विक्रम भट्ट ने बॉलीवुड की प्रेम कहानियों में प्रचलित हर क्विच को समाप्त कर दिया है। सौरभ्य स्थान आपको उपहार वो कोई देंगे। जब पहले कुछ दृश्य जिसमें बुरी आत्मा अपना रोष प्रकट करती है चौंकाने वाला या फिर थकाने वाला यह फिल्म है। 1920 फिल्म के संगीत शारिब तोशी और जया मेहर के द्वारा लिखे थे। पहला गाना गुमनाम है कोई, जो कि 1965 की फिल्म गुमनाम के मूल शीर्षक का एक बार फिर से पुनर्निर्मित संस्करण है। 9 अप्रैल 2016 को इसे जारी किया गया था। सारेगामापा जो इसके निर्माता माने जाते हैं, अपने बैनर के तहत सारेगामापा ने इसे जारी किया गया था। पूर्ण एल्बम को 21 अप्रैल 2016 को अच्छी समीक्षकाओं के लिए भी प्रदर्शित किया गया। पहला गाना गुमनाम है कोई लंबाई इसकी 4 मिनट और 25 सेकंड के आसपास थी। आज मैं आपको 1920 लंदन मूवी की कहानी, फिल्म के दिलचस्प फैक्ट और फिल्म से जुड़ी अनसुने किस्से बताऊंगा। 1920 लंदन यह फिल्म की कहानी राजस्थान के सीकर में एक शाही घराने की राजकुमारी शिवांगी के साथ शुरू होती है। शिवांगी के जीवन को इस फिल्म में दर्शाया गया है, जो अपने पति कुंवर वीर सिंह के साथ लंदन में चली जाती है। वह एक खुशहाल जोड़े के तौर पर है जब वह वीर को एक दिन एक छोटी सी बीमारी के तौर पर देखती है। जल्द ही यह बीमारी एक बड़ी बीमारी के तौर पर बदल जाती है। उसके शरीर को सिकड़ना और सिर भी अब धीरे धीरे सिकड़ना शुरू होता है। वीर को अस्पताल भर्ती कर दिया जाता है
और उसके लक्षण अभी भी बिगड़ते जा रहे हैं। उसका शरीर अस्वाभाविक रूप से सिकटने लगता है, वह अजीब भाषाओं में गुर्राता है। डॉक्टर ने इसे अपनी तरफ से पूरे प्रयास करके लाइलाज मानते हैं। 1920 लंदन को आलोचनाओं से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा तो मिली, लेकिन खासतौर पर नकारात्मक भी शामिल थी। कोई मोई ने इस फिल्म को 5 में से 1.5 सितारे दिए और लिखा, हम कहाँ से शुरू करें, एक आलसी लेखन, खराब निर्देशन और उससे भी ज़्यादा अविश्वसनीय अभिनय। द टाइम्स ऑफ इंडिया की मोहन बसु ने फिल्म को 5 में से 1 सितारा दिया और कहा, 1920 श्रृंखला तीसरी किश्त में अभिनव की सोच कोई आभास है। इसके बारे में सबसे अच्छी बात यही कही जा सकती है कि साल की सबसे मज़ेदार फिल्मों में से एक रहेगी। बॉलीवुड लाइफ की सम्यता ने भी फिल्म को 5 में से सिर्फ 1.5 सितारे दी और लिखा, जब फिल्म इंटरवल के बाद एक अच्छा ट्विस्ट था, यह आश्चर्य की बात नहीं है। जेंडर रिजर्वल को छोड़ दिया जाए तो उनकी पत्नी यहाँ पति को बचा रही है, प्लॉट कहना की आवश्यकता नहीं है। 1920 की पहली फिल्म के सामान यह भी है। 1920 की श्रृंखला में नवीनतम प्रविष्ट बड़े समय को निराश करने है। शर्मन जोशी एकमात्र बचत अनुग्रह है। फिल्म को केवल तभी देखें जब आपके पास करने के लिए कुछ और न हो, वरना टाइम पास के लिए यह आपके मन को नहीं भाएगी। ड्यूब्स न्यूज़ की मंजूषा ने इस फिल्म को सिर्फ 1.5 सितारे दिए और लिखा, विक्रम भट्ट ने बॉलीवुड की प्रेम कहानियों में प्रचलित हर क्विच को समाप्त कर दिया है। सौरभ्य स्थान आपको उभार वो कोई देंगे। जब पहले कुछ दृश्य जिसमें बुरी आत्मा अपना रोष प्रकट करती है चौंकाने वाला या फिर थकाने वाला यह फिल्म है। 1920 फिल्म के संगीत शारिब तोशी और जया मेहर के द्वारा लिखे थे। पहला गाना गुमनाम है कोई, जो कि 1965 की फिल्म गुमनाम के मूल शीर्षक का एक बार फिर से पुनर्निर्मित संस्करण है। 9 अप्रैल 2016 को इसे जारी किया गया था। सारेगामापा जो इसके निर्माता माने जाते हैं, अपने बैनर के तहत सारेगामापा ने इसे जारी किया गया था। पूर्ण एल्बम को 21 अप्रैल 2016 को अच्छी समीक्षकाओं के लिए भी प्रदर्शित किया गया। पहला गाना गुमनाम है कोई लंबाई इसकी 4 मिनट और 25 सेकंड के आसपास थी। आज मैं आपको 1920 लंदन मूवी की कहानी, फिल्म के दिलचस्प फैक्ट और फिल्म से जुड़ी अनसुने किस्से बताऊंगा। 1920 लंदन यह फिल्म की कहानी राजस्थान के सीकर में एक शाही घराने की राजकुमारी शिवांगी के साथ शुरू होती है। शिवांगी के जीवन को इस फिल्म में दर्शाया गया है, जो अपने पति कुंवर वीर सिंह के साथ लंदन में चली जाती है। वह एक खुशहाल जोड़े के तौर पर है, जब वह वीर को एक दिन एक छोटी सी बीमारी के तौर पर देखती है। जल्द ही यह बीमारी एक बड़ी बीमारी के तौर पर बदल जाती है। उसके शरीर को सिकड़ना और सिर भी अब धीरे धीरे सिकड़ना शुरू होता है। वीर को अस्पताल भर्ती कर दिया जाता है और उसके लक्षण अभी भी बिगड़ते जा रहे हैं। उसका शरीर अस्वाभाविक रूप से सिकटने लगता है, वह अजीब भाषाओं में गुर्राता है। डॉक्टर ने इसे अपनी तरफ से पूरे प्रयास करके लाइलाज मानते हैं। 1920 लंदन को आलोचनाओं से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा तो मिली, लेकिन खासतौर पर नकारात्मक भी शामिल थी। कोई मोई ने इस फिल्म को 5 में से 1.5 सितारे दिए और लिखा, हम कहाँ से शुरू करें, एक आलसी लेखन, खराब निर्देशन और उससे भी ज़्यादा अविश्वसनीय अभिनय। द टाइम्स ऑफ इंडिया की मोहन बसु ने फिल्म को 5 में से 1 सितारा दिया और कहा, 1920 श्रृंखला तीसरी किश्त में अभिनव की सोच कोई आभास है। इसके बारे में सबसे अच्छी बात यही कही जा सकती है कि साल की सबसे मज़ेदार फिल्मों में से एक रहेगी। बॉलीवुड लाइफ की सम्यता ने भी फिल्म को 5 में से सिर्फ 1.5 सितारे दी और लिखा, जब फिल्म इंटरवल के बाद एक अच्छा ट्विस्ट था, यह आश्चर्य की बात नहीं है। जेंडर रिजर्वल को छोड़ दिया जाए तो उनकी पत्नी यहाँ पति को बचा रही है, प्लॉट कहना की आवश्यकता नहीं है। 1920 की पहली फिल्म के सामान यह भी है। 1920 की श्रृंखला में नवीनतम प्रविष्ट बड़े समय को निराश करने है। शर्मन जोशी एकमात्र बचत अनुग्रह है। फिल्म को केवल तभी देखें जब आपके पास करने के लिए कुछ और न हो, वरना टाइम पास के लिए यह आपके मन को नहीं भाएगी। ड्यूब्स न्यूज़ की मंजूषा ने इस फिल्म को सिर्फ 1.5 सितारे दिए और लिखा, विक्रम भट्ट ने बॉलीवुड की प्रेम कहानियों में प्रचलित हर क्विच को समाप्त कर दिया है। सौरभ्य स्थान आपको उभार वो कोई देंगे। जब पहले कुछ दृश्य जिसमें बुरी आत्मा अपना रोष प्रकट करती है चौंकाने वाला या फिर थकाने वाला यह फिल्म है।
1920 फिल्म के संगीत शारिब तोशी और जया मेहर के द्वारा लिखे थे। पहला गाना गुमनाम है कोई, जो कि 1965 की फिल्म गुमनाम के मूल शीर्षक का एक बार फिर से पुनर्निर्मित संस्करण है। 9 अप्रैल 2016 को इसे जारी किया गया था। सारेगामापा जो इसके निर्माता माने जाते हैं, अपने बैनर के तहत सारेगामापा ने इसे जारी किया गया था। पूर्ण एल्बम को 21 अप्रैल 2016 को अच्छी समीक्षकाओं के लिए भी प्रदर्शित किया गया। पहला गाना गुमनाम है कोई लंबाई इसकी 4 मिनट और 25 सेकंड के आसपास थी। आज मैं आपको 1920 लंदन मूवी की कहानी, फिल्म के दिलचस्प फैक्ट और फिल्म से जुड़ी अनसुने किस्से बताऊंगा। 1920 लंदन यह फिल्म की कहानी राजस्थान के सीकर में एक शाही घराने की राजकुमारी शिवांगी के साथ शुरू होती है। शिवांगी के जीवन को इस फिल्म में दर्शाया गया है, जो अपने पति कुंवर वीर सिंह के साथ लंदन में चली जाती है। वह एक खुशहाल जोड़े के तौर पर है, जब वह वीर को एक दिन एक छोटी सी बीमारी के तौर पर देखती है। जल्द ही यह बीमारी एक बड़ी बीमारी के तौर पर बदल जाती है। उसके शरीर को सिकड़ना और सिर भी अब धीरे धीरे सिकड़ना शुरू होता है। वीर को अस्पताल भर्ती कर दिया जाता है और उसके लक्षण अभी भी बिगड़ते जा रहे हैं। उसका शरीर अस्वाभाविक रूप से सिकड़ने लगता है, वह अजीब भाषाओं में गुर्राता है। डॉक्टर ने इसे अपनी तरफ से पूरे प्रयास करके लाइलाज मानते हैं। 1920 लंदन को आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा तो मिली, लेकिन खास तौर पर नकारात्मक भी शामिल थी। कोई मोई ने इस फिल्म को 5 में से 1.5 सितारे दिए और लिखा, हम कहाँ से शुरू करें, एक आलसी लेखन, खराब निर्देशन और उससे भी ज़्यादा अविश्वसनीय अभिनय। द टाइम्स ऑफ इंडिया के मोहन बसु ने फिल्म को 5 में से 1 सितारा दिया और कहा, 1920 श्रृंखला तीसरी किश्त में अभिनव की सोच कोई आभास है। इसके बारे में सबसे अच्छी बात यही कही जा सकती है कि साल की सबसे मज़ेदार फिल्मों में से एक रहेगी। बॉलीवुड लाइफ की सम्यता ने भी फिल्म को 5 में से सिर्फ 1.5 सितारे दी और लिखा, जब फिल्म इंटरवल के बाद एक अच्छा ट्विस्ट था, यह आश्चर्य की बात नहीं है। जेंडर रिजर्वल को छोड़ दिया जाए तो उनकी पत्नी यहाँ पति को बचा रही है, प्लॉट कहना की आवश्यकता नहीं है। 1920 की पहली फिल्म के समान यह भी है। 1920 की श्रृंखला में नवीनतम प्रविष्ट बड़े समय को निराश करने है। शर्मन जोशी एकमात्र बचत अनुग्रह है। फिल्म को केवल तभी देखें जब आपके पास करने के लिए कुछ और न हो, वरना टाइम पास के लिए यह आपके मन को नहीं भाएगी। ड्यूब्स न्यूज़ की मंजूषा ने इस फिल्म को सिर्फ 1.5 सितारे दिए और लिखा, विक्रम भट्ट ने बॉलीवुड की प्रेम कहानियों में प्रचलित हर क्विच को समाप्त कर दिया है। सौरभ्य स्थान आपको उभार वो कोई देंगे। जब पहले कुछ दृश्य जिसमें बुरी आत्मा अपना रोष प्रकट करती है चौंकाने वाला या फिर थकाने वाला यह फिल्म है। 1920 फिल्म के संगीत शारिब तोशी और जया मेहर के द्वारा लिखे थे। पहला गाना गुमनाम है कोई, जो कि 1965 की फिल्म गुमनाम के मूल शीर्षक का एक बार फिर से पुनर्निर्मित संस्करण है। 9 अप्रैल 2016 को इसे जारी किया गया था। सारेगामापा जो इसके निर्माता माने जाते हैं, अपने बैनर के तहत सारेगामापा ने इसे जारी किया गया था। पूर्ण एल्बम को 21 अप्रैल 2016 को अच्छी समीक्षकाओं के लिए भी प्रदर्शित किया गया। पहला गाना गुमनाम है कोई लंबाई इसकी 4 मिनट और 25 सेकंड के आसपास थी। आज मैं आपको 1920 लंदन मूवी की कहानी, फिल्म के दिलचस्प फैक्ट और फिल्म से जुड़ी अनसुने किस्से बताऊंगा। 1920 लंदन यह फिल्म की कहानी राजस्थान के सीकर में एक शाही घराने की राजकुमारी शिवांगी के साथ शुरू होती है। शिवांगी के जीवन को इस फिल्म में दर्शाया गया है, जो अपने पति कुंवर वीर सिंह के साथ लंदन में चली जाती है। वह एक खुशहाल जोड़े के तौर पर है, जब वह वीर को एक दिन एक छोटी सी बीमारी के तौर पर देखती है। जल्द ही यह बीमारी एक बड़ी बीमारी के तौर पर बदल जाती है। उसके शरीर को सिकड़ना और सिर भी अब धीरे धीरे सिकड़ना शुरू होता है। वीर को अस्पताल भर्ती कर दिया जाता है और उसके लक्षण अभी भी बिगड़ते जा रहे हैं। उसका शरीर अस्वाभाविक रूप से सिकड़ने लगता है, वह अजीब भाषाओं में गुर्राता है। डॉक्टर ने इसे अपनी तरफ से पूरे प्रयास करके लाइलाज मानते हैं। 1920 लंदन को आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा तो मिली, लेकिन खास तौर पर नकारात्मक भी शामिल थी। कोई मोई ने इस फिल्म को 5 में से 1.5 सितारे दिए और लिखा, हम कहाँ से शुरू करें, एक आलसी लेखन, खराब निर्देशन और उससे भी ज़्यादा अविश्वसनीय अभिनय।
द टाइम्स ऑफ इंडिया की मोहन बसु ने फिल्म को 5 में से 1 सितारा दिया और कहा, 1920 श्रृंखला तीसरी किस्त में अभिनव की सोच कोई आभास है। इसके बारे में सबसे अच्छी बात यही कही जा सकती है कि साल की सबसे मज़ेदार फिल्मों में से एक रहेगी। बॉलीवुड लाइफ की सम्यता ने भी फिल्म को 5 में से सिर्फ 1.5 सितारे दी और लिखा, जब फिल्म इंटरवल के बाद एक अच्छा ट्विस्ट था, यह आश्चर्य की बात नहीं है। जेंडर रिजर्वल को छोड़ दिया जाए तो उनकी पत्नी यहाँ पति को बचा रही है, प्लॉट कहना की आवश्यकता नहीं है। 1920 की पहली फिल्म के समान यह भी है। 1920 की श्रृंखला में नवीनतम प्रविष्ट बड़े समय को निराश करने है। शर्मन जोशी एकमात्र बचत अनुग्रह है। फिल्म को केवल तभी देखें जब आपके पास करने के लिए कुछ और न हो, वरना टाइम पास के लिए यह आपके मन को नहीं भाएगी। ड्यूप्स न्यूज़ की मंजूषा ने इस फिल्म को सिर्फ 1.5 सितारे दिए और लिखा, विक्रम भट्ट ने बॉलीवुड की प्रेम कहानियों में प्रचलित हर क्विच को समाप्त कर दिया है। सौरभ्य स्थान आपको उभार वो कोई देंगे। जब पहले कुछ दृश्य जिसमें बुरी आत्मा अपना रोष प्रकट करती है चौंकाने वाला या फिर थकाने वाला यह फिल्म है। 1920 फिल्म के संगीत शारिब तोशी और जामेट के द्वारा लिखे थे। पहला गाना गुमनाम है कोई, जो कि 1965 की फिल्म गुमनाम के मूल शीर्षक का एक बार फिर से पुनर्निर्मित संस्करण है। 9 अप्रैल 2016 को इसे जारी किया गया था। सारेगामापा जो इसके निर्माता माने जाते हैं, अपने बैनर के तहत सारेगामापा ने इसे जारी किया गया था। पूर्ण एल्बम को 21 अप्रैल 2016 को अच्छी समीक्षकाओं के लिए भी प्रदर्शित किया गया। पहला गाना गुमनाम है कोई लंबाई इसकी 4 मिनट और 25 सेकंड के आसपास थी। आज मैं आपको 1920 लंदन मूवी की कहानी, फिल्म के दिलचस्प फैक्ट और फिल्म से जुड़ी अनसुने किस्से बताऊंगा। 1920 लंदन यह फिल्म की कहानी राजस्थान के सीकर में एक शाही घराने की राजकुमारी शिवांगी के साथ शुरू होती है। शिवांगी के जीवन को इस फिल्म में दर्शाया गया है, जो अपने पति कुंवर वीर सिंह के साथ लंदन में चली जाती है। वह एक खुशहाल जोड़े के तौर पर है, जब वह वीर को एक दिन एक छोटी सी बीमारी के तौर पर देखती है। जल्द ही यह बीमारी एक बड़ी बीमारी के तौर पर बदल जाती है। उसके शरीर को सिकड़ना और सिर भी अब धीरे धीरे सिकड़ना शुरू होता है। वीर को अस्पताल भर्ती कर दिया जाता है और उसके लक्षण अभी भी बिगड़ते जा रहे हैं। उसका शरीर अस्वाभाविक रूप से सिकड़ना लगता है। वह अजीब भाषाओं में गुर्राता है। डॉक्टर ने इसे अपनी तरफ से पूरे प्रयास करके लाइलाज मानते हैं। 1920 लंदन को आलोचनाओं से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा तो मिली, लेकिन खासतौर पर नकारात्मक भी शामिल थी। कोई मोई ने इस फिल्म को 5 में से 1.5 सितारे दिए और लिखा, हम कहाँ से शुरू करें, एक आलसी लेखन, खराब निर्देशन और उससे भी ज़्यादा अविश्वसनीय अभिनय। द टाइम्स ऑफ इंडिया की मोहन बसु ने फिल्म को 5 में से 1 सितारा दिया और कहा, 1920 श्रृंखला तीसरी किस्त में अभिनव की सोच कोई आभास है। इसके बारे में सबसे अच्छी बात यही कही जा सकती है कि साल की सबसे मज़ेदार फिल्मों में से एक रहेगी। बॉलीवुड लाइफ की सम्यता ने भी फिल्म को 5 में से सिर्फ 1.5 सितारे दी और लिखा, जब फिल्म इंटरवल के बाद एक अच्छा ट्विस्ट था, यह आश्चर्य की बात नहीं है। जेंडर रिजर्वल को छोड़ दिया जाए तो उनकी पत्नी यहाँ पति को बचा रही है, प्लॉट कहना की आवश्यकता नहीं है। 1920 की पहली फिल्म के समान यह भी है। 1920 की श्रृंखला में नवीनतम प्रविष्ट बड़े समय को निराश करने है। शर्मन जोशी एकमात्र बचत अनुग्रह है। फिल्म को केवल तभी देखें जब आपके पास करने के लिए कुछ और न हो, वरना टाइम पास के लिए यह आपके मन को नहीं भाएगी। ड्यूप्स न्यूज़ की मंजूषा ने इस फिल्म को सिर्फ 1.5 सितारे दिए और लिखा, विक्रम भट्ट ने बॉलीवुड की प्रेम कहानियों में प्रचलित हर क्विच को समाप्त कर दिया है। सौरभ्य स्थान आपको उभार वो कोई देंगे। जब पहले कुछ दृश्य जिसमें बुरी आत्मा अपना रोष प्रकट करती है चौंकाने वाला या फिर थकाने वाला यह फिल्म है। 1920 फिल्म के संगीत शारिब तोशी और जामेट के द्वारा लिखे थे। पहला गाना गुमनाम है कोई, जो कि 1965 की फिल्म गुमनाम के मूल शीर्षक का एक बार फिर से पुनर्निर्मित संस्करण है। 9 अप्रैल 2016 को इसे जारी किया गया था। सारेगामापा जो इसके निर्माता माने जाते हैं, अपने बैनर के तहत सारेगामापा ने इसे जारी किया गया था। पूर्ण एल्बम को 21 अप्रैल 2016 को अच्छी समीक्षकाओं के लिए भी प्रदर्शित किया गया। पहला गाना गुमनाम है कोई लंबाई इसकी 4 मिनट और 25 सेकंड के आसपास थी।
आज मैं आपको 1920 लंदन मूवी की कहानी, फिल्म के दिलचस्प फैक्ट और फिल्म से जुड़ी अनसुने किस्से बताऊंगा। 1920 लंदन, यह फिल्म की कहानी है राजस्थान के सीकर में एक शाही घराने की राजकुमारी शिवांगी के साथ शुरू होती है। शिवांगी के जीवन को इस फिल्म में दर्शाया गया है, जो अपने पति कुंवर वीर सिंह के साथ लंदन में चली जाती है। वह एक खुशहाल जोड़े के तौर पर है, जब वह वीर को एक दिन एक छोटी सी बीमारी के तौर पर देखती है। जल्द ही यह बीमारी एक बड़ी बीमारी के तौर पर बदल जाती है। उसके शरीर को सिकड़ना और सिर भी अब धीरे धीरे सिकड़ना शुरू होता है। वीर को अस्पताल भर्ती कर दिया जाता है और उसके लक्षण अभी भी बिगड़ते जा रहे हैं। उसका शरीर अस्वाभाविक रूप से सिकड़ना लगता है। वह अजीब भाषाओं में गुर्राता है। डॉक्टर ने इसे अपनी तरफ से पूरे प्रयास करके लाइलाज मानते हैं। 1920 लंदन को आलोचनाओं से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा तो मिली, लेकिन खासतौर पर नकारात्मक भी शामिल थी। कोई मोई ने इस फिल्म को 5 में से 1.5 सितारे दिए और लिखा, हम कहाँ से शुरू करें, एक आलसी लेखन, खराब निर्देशन और उससे भी ज़्यादा अविश्वसनीय अभिनय। द टाइम्स ऑफ इंडिया के मोहन बसु ने फिल्म को 5 में से 1 सितारा दिया और कहा, 1920 श्रृंखला तीसरी किश्त में अभिनव की सोच कोई आभास है। इसके बारे में सबसे अच्छी बात यही कही जा सकती है कि साल की सबसे मज़ेदार फिल्मों में से एक रहेगी। बॉलीवुड लाइफ की सम्यता ने भी फिल्म को 5 में से सिर्फ 1.5 सितारे दी और लिखा, जब फिल्म इंटरवल के बाद एक अच्छा ट्विस्ट था, यह आश्चर्य की बात नहीं है। जेंडर रिजर्वल को छोड़ दिया जाए तो उनकी पत्नी यहाँ पति को बचा रही है, प्लॉट कहना की आवश्यकता नहीं है। 1920 की पहली फिल्म के समान यह भी है। 1920 की श्रृंखला में नवीनतम प्रविष्ट बड़े समय को निराश करने है। शर्मन जोशी एकमात्र बचत अनुग्रह है। फिल्म को केवल तभी देखें जब आपके पास करने के लिए कुछ और न हो, वरना टाइम पास के लिए यह आपके मन को नहीं भाएगी। ड्यूब्स न्यूज़ की मंजूषा ने इस फिल्म को 1.5 सितारे दिए और लिखा, विक्रम भट्ट ने बॉलीवुड की प्रेम कहानियों में प्रचलित हर क्विच को समाप्त कर दिया है। सौरभ्य स्थान आपको उभार वो कोई देंगे। जब पहले कुछ दृश्य जिसमें बुरी आत्मा अपना रोष प्रकट करती है चौंकाने वाला या फिर थकाने वाला यह फिल्म है। 1920 फिल्म के संगीत शारिब तोशी और जया मेट के द्वारा लिखे थे। पहला गाना गुमनाम है कोई, जो कि 1965 की फिल्म गुमनाम के मूल शीर्षक का एक बार फिर से पुनर्निर्मित संस्करण है। 9 अप्रैल 2016 को इसे जारी किया गया था। सारेगामापा जो इसके निर्माता माने जाते हैं, अपने बैनर के तहत सारेगामापा ने इसे जारी किया गया था। पूर्ण एल्बम को 21 अप्रैल 2016 को अच्छी समीक्षकाओं के लिए भी प्रदर्शित किया गया। पहला गाना गुमनाम है कोई लंबाई इसकी 4 मिनट और 25 सेकंड के आसपास थी। आज मैं आपको 1920 लंदन मूवी की कहानी, फिल्म के दिलचस्प फैक्ट और फिल्म से जुड़ी अनसुने किस्से बताऊंगा। 1920 लंदन, यह फिल्म की कहानी है राजस्थान के सीकर में एक शाही घराने की राजकुमारी शिवांगी के साथ शुरू होती है। शिवांगी के जीवन को इस फिल्म में दर्शाया गया है, जो अपने पति कुंवर वीर सिंह के साथ लंदन में चली जाती है। वह एक खुशहाल जोड़े के तौर पर है, जब वह वीर को एक दिन एक छोटी सी बीमारी के तौर पर देखती है। जल्द ही यह बीमारी एक बड़ी बीमारी के तौर पर बदल जाती है। उसके शरीर को सिकड़ना और सिर भी अब धीरे धीरे सिकड़ना शुरू होता है। वीर को अस्पताल भर्ती कर दिया जाता है और उसके लक्षण अभी भी बिगड़ते जा रहे हैं। उसका शरीर अस्वाभाविक रूप से सिकड़ना लगता है। वह अजीब भाषाओं में गुर्राता है। डॉक्टर ने इसे अपनी तरफ से पूरे प्रयास करके लाइलाज मानते हैं। 1920 लंदन को आलोचनाओं से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा तो मिली, लेकिन खासतौर पर नकारात्मक भी शामिल थी। कोई मोई ने इस फिल्म को 5 में से 1.5 सितारे दिए और लिखा, हम कहाँ से शुरू करें, एक आलसी लेखन, खराब निर्देशन और उससे भी ज़्यादा अविश्वसनीय अभिनय। द टाइम्स ऑफ इंडिया के मोहन बसु ने फिल्म को 5 में से 1 सितारा दिया और कहा, 1920 श्रृंखला तीसरी किश्त में अभिनव की सोच कोई आभास है। इसके बारे में सबसे अच्छी बात यही कही जा सकती है कि साल की सबसे मज़ेदार फिल्मों में से एक रहेगी। बॉलीवुड लाइफ की सम्यता ने भी फिल्म को 5 में से सिर्फ 1.5 सितारे दी और लिखा, जब फिल्म इंटरवल के बाद एक अच्छा ट्विस्ट था, यह आश्चर्य की बात नहीं है। जेंडर रिजर्वल को छोड़ दिया जाए तो उनकी पत्नी यहाँ पति को बचा रही है, प्लॉट कहना
की आवश्यकता नहीं है। 1920 की पहली फिल्म के समान यह भी है। 1920 की श्रृंखला में नवीनतम प्रविष्ट बड़े समय को निराश करने है। शर्मन जोशी एकमात्र बचत अनुग्रह है। फिल्म को केवल तभी देखें जब आपके पास करने के लिए कुछ और न हो, वरना टाइम पास के लिए यह आपके मन को नहीं भाएगी। ड्यूप्स न्यूज़ की मंजूषा ने इस फिल्म को सिर्फ 1.5 सितारे दिए और लिखा, विक्रम भट्ट ने बॉलीवुड की प्रेम कहानियों में प्रचलित हर क्विच को समाप्त कर दिया है। सौरभ्य स्थान आपको उपहार वो कोई देंगे। जब पहले कुछ दृश्य जिसमें बुरी आत्मा अपना रोष प्रकट करती है चौंकाने वाला या फिर थकाने वाला यह फिल्म है। 1920 फिल्म के संगीत शारिब तोशी और जामेट के द्वारा लिखे थे। पहला गाना गुमनाम है कोई, जो कि 1965 की फिल्म गुमनाम के मूल शीर्षक का एक बार फिर से पुनर्निर्मित संस्करण है। 9 अप्रैल 2016 को इसे जारी किया गया था। सारेगामापा जो इसके निर्माता माने जाते हैं, अपने बैनर के तहत सारेगामापा ने इसे जारी किया गया था। पूर्ण एल्बम को 21 अप्रैल 2016 को अच्छी समीक्षकाओं के लिए भी प्रदर्शित किया गया। पहला गाना गुमनाम है कोई लंबाई इसकी 4 मिनट और 25 सेकंड के आसपास थी। आज मैं आपको 1920 लंदन मूवी की कहानी, फिल्म के दिलचस्प फैक्ट और फिल्म से जुड़ी अनसुने किस्से बताऊंगा। 1920 लंदन यह फिल्म की कहानी राजस्थान के सीकर में एक शाही घराने की राजकुमारी शिवांगी के साथ शुरू होती है। शिवांगी के जीवन को इस फिल्म में दर्शाया गया है, जो अपने पति कुंवर वीर सिंह के साथ लंदन में चली जाती है। वह एक खुशहाल जोड़े के तौर पर है जब वह वीर को एक दिन एक छोटी सी बीमारी के तौर पर देखती है। जल्द ही यह बीमारी एक बड़ी बीमारी के तौर पर बदल जाती है। उसके शरीर को सिकड़ना और सिर भी अब धीरे धीरे सिकड़ना शुरू होता है। वीर को अस्पताल भर्ती कर दिया जाता है और उसके लक्षण अभी भी बिगड़ते जा रहे हैं। उसका शरीर अस्वाभाविक रूप से सिकड़ने लगता है। वह अजीब भाषाओं में गुर्राता है। डॉक्टर ने इसे अपनी तरफ से पूरे प्रयास करके लाइलाज मानते हैं। 1920 लंदन को आलोचनाओं से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा तो मिली, लेकिन खासतौर पर नकारात्मक भी शामिल थी। कोई मोई ने इस फिल्म को 5 में से 1.5 सितारे दिए और लिखा, हम कहाँ से शुरू करें, एक आलसी लेखन, खराब निर्देशन और उससे भी ज़्यादा अविश्वसनीय अभिनय। द टाइम्स ऑफ इंडिया की मोहन बसु ने फिल्म को 5 में से 1 सितारा दिया और कहा, 1920 श्रृंखला तीसरी किश्त में अभिनव की सोच कोई आभास है। इसके बारे में सबसे अच्छी बात यही कही जा सकती है कि साल की सबसे मज़ेदार फिल्मों में से एक रहेगी। बॉलीवुड लाइफ की सम्यता ने भी फिल्म को 5 में से सिर्फ 1.5 सितारे दी और लिखा, जब फिल्म इंटरवल के बाद एक अच्छा ट्विस्ट था, यह आश्चर्य की बात नहीं है। जेंडर रिजर्वल सल को छोड़ दिया जाए तो उनकी पत्नी यहाँ पति को बचा रही है। प्लॉट कहना की आवश्यकता नहीं है। 1920 की पहली फिल्म के समान यह भी है। 1920 की श्रृंखला में नवीनतम प्रविष्ट बड़े समय को निराश करने है। शर्मन जोशी एकमात्र बचत अनुग्रह है। फिल्म को केवल तभी देखें जब आपके पास करने के लिए कुछ और न हो, वरना टाइम पास के लिए यह आपके मन को नहीं भाएगी। ड्यूप्स न्यूज़ की मंजूषा ने इस फिल्म को सिर्फ 1.5 सितारे दिए और लिखा, विक्रम भट्ट ने बॉलीवुड की प्रेम कहानियों में प्रचलित हर क्विच को समाप्त कर दिया है। सौरभ्य स्थान आपको उपहार वो कोई देंगे। जब पहले कुछ दृश्य जिसमें बुरी आत्मा अपना रोष प्रकट करती है चौंकाने वाला या फिर थकाने वाला यह फिल्म है। 1920 फिल्म के संगीत शारिब तोशी और जामेट के द्वारा लिखे थे। पहला गाना गुमनाम है कोई, जो कि 1965 की फिल्म गुमनाम के मूल शीर्षक का एक बार फिर से पुनर्निर्मित संस्करण है। 9 अप्रैल 2016 को इसे जारी किया गया था। सारेगामापा जो इसके निर्माता माने जाते हैं, अपने बैनर के तहत सारेगामापा ने इसे जारी किया गया था। पूर्ण एल्बम को 21 अप्रैल 2016 को अच्छी समीक्षकाओं के लिए भी प्रदर्शित किया गया। पहला गाना गुमनाम है कोई लंबाई इसकी 4 मिनट और 25 सेकंड के आसपास थी। आज मैं आपको 1920 लंदन मूवी की कहानी, फिल्म के दिलचस्प फैक्ट और फिल्म से जुड़ी अनसुने किस्से बताऊंगा। 1920 लंदन यह फिल्म की कहानी राजस्थान के सीकर में एक शाही घराने की राजकुमारी शिवांगी के साथ शुरू होती है। शिवांगी के जीवन को इस फिल्म में दर्शाया गया है, जो अपने पति कुंवर वीर सिंह के साथ लंदन में चली जाती है। वह एक खुशहाल जोड़े के तौर पर है जब वह वीर को एक दिन एक छोटी सी बीमारी के तौर पर देखती है।
जल्द ही यह बीमारी एक बड़ी बीमारी के तौर पर बदल जाती है। उसके शरीर को सिकड़ना और सिर भी अब धीरे धीरे सिकड़ना शुरू होता है। वीर को अस्पताल भर्ती कर दिया जाता है और उसके लक्षण अभी भी बिगड़ते जा रहे हैं। उसका शरीर अस्वाभाविक रूप से सिकड़ने लगता है। वह अजीब भाषाओं में गुर्राता है। डॉक्टर ने इसे अपनी तरफ से पूरे प्रयास करके लाइलाज मानते हैं। 1920 लंदन को आलोचनाओं से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा तो मिली, लेकिन खासतौर पर नकारात्मक भी शामिल थी। कोइमोई ने इस फिल्म को 5 में से 1.5 सितारे दिए और लिखा, हम कहाँ से शुरू करें, एक आलसी लेखन, खराब निर्देशन और उससे भी ज़्यादा अविश्वसनीय अभिनय। द टाइम्स ऑफ इंडिया के मोहन बसु ने फिल्म को 5 में से 1 सितारा दिया और कहा, 1920 श्रृंखला तीसरी किश्त में अभिनव की सोच कोई आभास है। इसके बारे में सबसे अच्छी बात यही कही जा सकती है कि साल की सबसे मज़ेदार फिल्मों में से एक रहेगी। बॉलीवुड लाइव की सम्यता ने भी फिल्म को 5 में से सिर्फ 1.5 सितारे दी और लिखा, जब फिल्म इंटरवल के बाद एक अच्छा ट्विस्ट था, यह आश्चर्य की बात नहीं है। जेंडर रिजर्वल्सल को छोड़ दिया जाए तो उनकी पत्नी यहाँ पति को बचा रही है। प्लॉट कहना की आवश्यकता नहीं है। 1920 की पहली फिल्म के समान यह भी है। 1920 की श्रृंखला में नवीनतम प्रविष्ट बड़े समय को निराश करने है। शर्मन जोशी एकमात्र बचत अनुग्रह है। फिल्म को केवल तभी देखें जब आपके पास करने के लिए कुछ और न हो, वरना टाइम पास के लिए यह आपके मन को नहीं भाएगी। ड्यूब्स न्यूज़ की मंजूषा ने इस फिल्म को 1.5 सितारे दिए और लिखा, विक्रम भट्ट ने बॉलीवुड की प्रेम कहानियों में प्रचलित हर